इंफॉर्मेशन का बारे में बोला गया है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला जो सेक्शन 81J का प्रोविजन जो है वो भी कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ नहीं बोला था। हमारा हाँ कहने का मतलब उस दिन भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है शिवान जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हो गया हो गया। हाँ, हम लोग का कहने से तो DPDP एक्ट का सेक्शन 44(3) रिपील नहीं होगा, तो इसीलिए अभी हमारा हाथ में जितना है उससे हमको काम चलाना होगा जब तक तो कोई PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं होता है। तो सही हमारा कहने का मतलब उस दिन भी यही था जो मेरा प्रोवाइसो अभी जिंदा है, प्रोवाइसो का बारे में कुछ नहीं बोला गया है DPDP एक्ट में सेक्शन 81J का। तो हम लोग इसको जरूर इसको यूज करना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसमें जो डिनाई जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो आप इंफॉर्मेशन सीकर को भी नहीं कर सकते। दूसरी बात है जो आप बोले थे अभी जो PIO से लेके फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, हम CIC का पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। PIO से लेके अप टू CIC तक अपील फर्स्ट सेकंड अपील, इसमें हम किसी को भी कॉम्पिटेंट नहीं मानता है। अभी जो CIC में जितना कमिश्नर बैठे हैं, आप सही बोलिए, बोलता है जे खुलेआम बोल रहा है, उसका रिकॉर्डिंग भी है कि हम हाई कोर्ट का ये ऑर्डर नहीं मानते हैं, हम जो बोलेगा वही होगा। अच्छा, दूसरी बात है, आप हमको समझाइए, क्रिमिनल केस और सिविल सूट एक साथ क्लब करके ऑर्डर हो सकता है? कॉमन सेंस क्या बोलता है? इसके लिए कोई लॉयर नहीं बनने का दरकार है हमारा हिसाब से, किसको LLB पढ़ने का दरकार नहीं है। क्रिमिनल केस और सिविल सूट एक साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता, अलग अलग, इसलिए कोर्ट भी अलग अलग है, लेकिन CIC में ऐसा हो रहा। अच्छा, उसके बाद देखिए, हाल ही में दो तीन तो केस में सेकेंड अपील में इतना मैंने घटिया एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, तो हमको लगता है RTI लगाना ही बंद कर देना चाहिए। कल एक गवर्नमेंट का प्लानिंग है जो ऐसा करके बोरिंग करो, जो आदमी को ऐसा करके बोरिंग करो जो वो RTI फाइल ही ना करे। काहे के लिए देखिए, सेक्शन 79 RTI एक्ट में साफ साफ लिखा है, एप्लीकेंट जिस स्टाइल में चाहेगा इंफॉर्मेशन उसी हिसाब से तुमको देना होगा। अनलेस मैं आपको बता रहा हूँ सेक्शन 79 में, एन इंफॉर्मेशन शैल ऑर्डिनरली बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन व्हिच इट इज सॉट अनलेस इट वुड डिस्प्रोपोर्शनेटली डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी और वुड बी डेट्रीमेंटल टू द सेफ्टी और प्रिजर्वेशन ऑफ द रिकॉर्ड इन क्वेश्चन। तो हम मान लीजिए मैं कोई RTI एप्लीकेशन फाइल किया है, हम मांग रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी कौन कानून के तहत हमको ऑर्डर कर रहा है तुम इंस्पेक्शन कर लो जाके? मैंने तो इंस्पेक्शन नहीं मांगा है। सेक्शन 79 को वायोलेशन करके कैसे हमको डायरेक्शन दे सकता है जे तुम जाके इंस्पेक्शन कर लो? मान लीजिए हम दिल्ली में लगाया, तो हम दिल्ली में जाएंगे इंस्पेक्शन फाइल इंस्पेक्शन करने के लिए, नंबर वन। नंबर टू, हम इंस्पेक्शन जब नहीं मांगा है तुम जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो हमारा ऊपर? तुमको दिमाग लगाने के लिए किसने बोला है? क्वासी जुडिशियल फोरम है CIC, एक क्वासी जुडिशियल फोरम में तुमको देखना है मैं क्या मांग रहा हूँ, वो हमको मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो PIO को आप अप्रोप्रिएट ऑर्डर करो हमको वो इंफॉर्मेशन देने के लिए, अगर वो सेक्शन 89 में नहीं आता है तो आपका हिसाब से तुम जाके देख लो, तुम ये कर लो, इतना RTI क्यों लगा रहा हो? ये सब पावर ये लोग को देता है कौन? हमको यही तो सवाल है। पहला सवाल तो यही है जो कॉम्पिटेंट पर्सन को छोड़ के, देखिए हम लोग का एक आइडिया है ब्यूरोक्रेट से रिक्रूट होता है बोल के ये सब अनसंड आदमी को लाके बैठा देता है। एक्चुअली CIC हो गया अभी मैंने फेवरेबल पार्किंग स्लॉट ऑफ द रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, और कुछ नहीं है। देखिए जसवर्धन आजाद साहब भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, अभी भी सब कोई उनको याद करता है, हाँ वो तो तो ऐसा बात नहीं है सब ब्रो। डिपेंड करता है किस तरह से लोग हाँ, पूछ वाले होते हैं। डिपेंड करता है। तो अभी गवर्नमेंट का यह किया हुआ है, चुन चुन के घटिया किस्म का ले आओ, जो कि ये लोग मैंने RTI लगाने वाला लोग फेडअप हो जाए, वो लोग RTI लगाना ही बंद कर दे एकदम। देखिए आप, मेरा पास इतना जजमेंट ऑर्डर है CIC का, मैं आपको पूरा फाइल दे सकता हूँ, आप देखिएगा सब जगह एक ही कॉपी पेस्ट ऑर्डर। तो इसमें क्या बोलेंगे, बहुत कॉम्पिटेंट कमिश्नर है? सही जहां एपिलेंट को बोलने भी नहीं देता, वो लोग बैठा है PIO को बचाने के लिए। हाँ, ये तो छोड़िए, ये तो जो है
सेक्शन 81 J हो गया। दूसरा जो है आपका थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, तो थर्ड पार्टी अभी क्या हो गया है, पीआई लोग थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन बोल के डिनाई कर देता है, उसको पता नहीं है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अगर तुम बता रहे हो, तुमको सेक्शन 11 को रेस करना चाहिए। सेक्शन 11 का बारे में पता ही नहीं है। एक्चुअली समस्या इसमें ही है, ये पीआईओ का ट्रेंड नहीं है। कुछ है, सबको नहीं बोल रहा है, मैक्सिमम पीआईओ ट्रेंड ही नहीं है। आरटीआई एक्ट के बारे में उसको पता ही कुछ नहीं है। किसी को लाके बैठा दिया, तुम सीपीआई हो गया, जो आरटीआई का लेटर आएगा तुमको जवाब दे देगा, तुम जवाब दे देना बस। चलिए चलिए उसको सीतारायण जी, आपका कंसर्न बिल्कुल जायज है और कार्यक्रम में अपन अब आगे बढ़े। कुलदीप जी भी ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे सभी साथीगण, यहाँ पर सभी का एक बार हम फिर से स्वागत करें। और वीरेंद्र कुमार साहब हमारे बीच में हैं आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए। तो यदि आज आपके प्रश्न आरटीआई से, हालांकि किसी भी प्रकार से कि आप प्रश्न आरटीआई से जुड़े हो पूछ सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं कि कार्यक्रम का जो टॉपिक है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन और साथ में जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है उसको लेकर के रखा गया है। तो अक्सर जो आरटीआई हम लोग लगाते हैं वो इन्हीं दो आधार पर, और सेक्शन 8 में और भी जो आधार है, फिड्यूशियरी और फलाना ढिकाना, इन सब के आधार पर वो आपको डिनाई कर देते हैं, तो दिक्कतें होती हैं। अब यहाँ पर आज इन्हीं विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के यदि प्रश्न है कोई भी आरटीआई से जुड़े हुए, तो अपना हैंड रेज का आप ऑप्शन चुनिए और अपनी बात यहाँ पर आप रखिए। आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ पर आदरणीय वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब, जो आरटीआई रिसोर्स पर्सन है उत्तराखंड के और प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के, वो आपको जवाब देंगे। और भी हमारे जो भी साथी हैं यहाँ पर, आशीष नारायण जी हैं, कुलदीप जी हैं और जो भी हैं, सब आपके बात यहाँ पर, आपके प्रश्नों के जवाब यहाँ पर देने में मदद करेंगे। तो सर मेरे को हाथ उठाना नहीं आता, सर हाथ उठाने का कोई ऑप्शन कोई नहीं पता कोई कोई कैसे। बात नहीं, मैं ये कहता हूँ कि हाथ उठाने के लिए तो एक ऑप्शन है जो टेक्निकल लोग हैं वो चुन सकते हैं, लेकिन यदि आपसे वो चीजें नहीं आती हैं तो आप लोग अपना वीडियो ऑन करके ऐसे भी आप अपना हाथ उठा सकते हैं, फिंगर यदि देख करेंगे तो हम देख रिएक्शन लेंगे, हाँ है ना, तो भाई उसके रिएक्शन सुन आधार, रही है। हाँ तो उसमें भी हम आपको हाँ सर रिएक्शन मेरा सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ सुनिए, बताइए रिएक्शन प्लस आप सर, टच अगर करिए। मैं किसी इंस्टीट्यूट में ई आर टी लगाता हूँ कि कृपया मुझे 2022 जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2023 तक का उपस्थिति रजिस्टर की सत्यापित कॉपी उपलब्ध करवाई जाए, तो वो क्या कहते हैं कि वो ना एक कोई हाई कोर्ट का लेटर सा साथ डाल देते हैं इंग्लिश का, कि उसमें ये लिखा, वो ये बताते हैं कि उपस्थिति रजिस्टर एम्प्लॉयर और एम्प्लाइज के आपसी मामला है, ये थर्ड पार्टी को उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता क्योंकि इसमें सबके साइन है, इसलिए थर्ड पार्टी से संबंधित है। इसके बारे में आवाज नहीं आ रही सर बिल्कुल भी। हाँ म्यूट था, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग जब अपना प्रश्न पूछा करें तो कम से कम उस समय आप लोग अपने वीडियो वगैरह ऑन कर लिया करें, सामने आप दिखेंगे तो इंटरेक्शन और भी तरीके से होगा, तो अच्छा रहेगा ना, वीडियो अपना ऑन कर लें आप लोग सवाल पूछते समय पर, बाकी समय में यदि आप चाहते हैं तो उसको ऑफ करके रख सकते हैं। तो सवाल पूछते समय और अपने नाम परिचय के साथ में, कई बार आपका जो नाम होता है वो गैलेक्सी और इस तरह से होता है तो इससे समझ में नहीं आता है, तो अपना नाम बताइए, अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और फिर आप अपनी बात पूछिए। सर आप मेरा हाँ मेरा नाम नरेंद्र पारिक है और मैं सिरसा हरियाणा से हूँ, और मैं नरेंद्र पारिक नाम है सर, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ और मैं एक तो आरटीआई का ही अपना काम करता हूँ, साथ में गवर्नमेंट जॉब है मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जी तो सर मैंने पिछले 5 सालों में कम से कम 1,000 आरटीआई दायर की है, और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे कमिश्नर भी ये कहते हैं, एक बार का मैं आपको एक वितरण सुनाता हूँ छोटा सा, कि एक क्लर्क हमारे कमिश्नर के पास फाइल लेके गया, 30,000 की फाइल थी। उसने कमिश्नर को कहा सर साइन कीजिए ये फाइल है, कमिश्नर ने साइन करते करते कहा कि ये प्रोग्राम कब करवाया, तो क्लर्क कहता है सर ये प्रोग्राम नहीं करवाया, सिर्फ फाइल तैयार करवाई है और आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि वो उसको जानते हो नरेंद्र पारिक को, कह हाँ, कहता यार वो आरटी लगा देगा 30,000 के लिए, क्यों बदनामी करते हो, प्रोग्राम करवाइए, और फाइल उन्होंने पढ़ के डस्टबिन में डाल दी। तो मेरे को इतनी खुशी हुई सर, उसके बाद से मैं ना मेरा शौक बन गया आरटी का, जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी खर्चा आता है मैं उसकी कॉपी मांगता हूँ, मैं करता कुछ भी नहीं, तो मेरा तो 40 रुपए लगते हैं, 30 रुपए रजिस्ट्री के, 10 रुपए पोस्ट लोड के। तो हर डिपार्टमेंट में ये भय रहता है कि वो आदमी आरटी लगा देगा, इसलिए काम बढ़िया तरीके से करो। तो मैं हूँ खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ,
तो सर मैंने किसी इंस्टीट्यूट की आरटी मांगी थी, तो मैंने ये पूछा कि इस इंस्टीट्यूट का जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2023 का उपस्थिति रजिस्टर की सत्यापित कॉपी दी जाए। अब वो ये लिख के भेजते हैं कि ये तो एम्प्लॉयर के बीच का मामला है और सारे अधिकारियों की इसमें अटेंडेंस लगी हुई है, तो ये इनका पर्सनल मामला है, तो आपको थर्ड पार्टी से संबंधित है, आपको दिया नहीं जा सकता। तो मैं आपसे ये ठीक पूछना चाहता हूँ सर कि हाई कोर्ट का कोई ना कोई डिसीजन की कॉपी लगा देते हैं वो, जैसे प्राइवेट स्कूल भी कोई ना कोई कॉपी लगा देते हैं कि ये हमको उपलब्ध नहीं करवाएंगे सूचना, तो उसका क्या समाधान है? जी। अब बीरेन जी आपके प्रश्न का जवाब देंगे। मध्य प्रदेश में तो राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी सीधे इन आरटीआई का जवाब देने के लिए कहते हैं, और यदि जवाब नहीं दिया जा रहा है तो जुर्माना भी लगाया हुआ है। कई सारे ऐसे मामले हैं। नियुक्ति के संदर्भ में बहुत स्पष्ट उनका दिशा निर्देश है कि नियुक्ति से संबंधित कोई भी दस्तावेज छुपाए नहीं जा सकते, क्योंकि ये एक सार्वजनिक प्रक्रिया होती है। जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे करके नियुक्त होते हैं और आपको जनता के टैक्स के पैसे से, शासन के पैसे से पेमेंट दिया जा रहा है, तो वो चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो उसमें वो कुछ भी ऐसा प्राइवेट और निजी नहीं मानते हैं। अब आपके यहाँ ऐसा क्यों हो रहा जी है और हाई कोर्ट इस विषय में क्या कहता है, क्या राय है, ये हेलो, वीरेंद्र जी प्लीज। हेलो उपस्थिति उपस्थिति रजिस्टर है, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, हमारी कॉलेज में मांगा गया था और हमने दिया भी है, तो ये किसी भी तरह से व्यक्तिगत सूचना नहीं है, ये उपस्थिति रजिस्टर तो देना पड़ता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के भी हमारे यहाँ पे मांगा था रिकॉर्ड, और वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो भी हमने कॉपी करके सीडी पर दिया था। तो उपस्थिति का आप जो बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर उन्होंने कोर्ट किया, तो क्या वो केस का नाम वगैरह लिखा हो तो आप बता सकते हैं, ताकि हम वो डाउनलोड करके वो देख सके कि हरियाणा में क्या हाई कोर्ट का ऐसा कोई आदेश है किसी मामले में, है ना? तो वो केस आप बता सकते हैं, तो ऐसा कोई मेरे संज्ञान में तो अभी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कोई ऑर्डर हुआ है तो वो फिर देखना पड़ेगा कि किस प्रकरण में हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। अभी मेरे ख्याल से वो सर, पब्लिक वो मैं इन्फॉर्मेशन ग्रुप ही है। में डाल दूंगा, अभी तो मेरे पास हाँ लेटर जी, नहीं हाँ है, जी, लेकिन मैं डाल हाँ दूंगा। यस सर, हाँ, सर क्योंकि ऐसा कोई ये केस हो तो मेरे इंटरप्ट संज्ञान कर में रहा नहीं है, हूँ। बाकी वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और देनी चाहिए। हेलो सर, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा सर। ये क्या हो रहा है ना, हाई कोर्ट कुछ ना सर कुछ एक मेरा क्वेश्चन एक इसके साथ ही और जुड़ा हुआ है मैडम थोड़ा सा सर। इंतजार जैसे करिए, इनका मैंने प्रॉब्लम आरटी है प्लीज। सर मैंने जैसे आरटी लगा दी, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने फर्स्ट अपील कर दी, जवाब नहीं दिया, सेकंड अपील कर दी, सेकंड अपील से भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ, उन्होंने बुलाया भी कॉपी उपलब्ध करवाओ इनको एक सप्ताह के अंदर अंदर, उन्होंने कॉपी नहीं कराई। इसके बाद का रास्ता क्या है सर? अगर हाई कोर्ट में जाता हूँ तो वकील बड़ी बड़ी फीस मांगते हैं, इसके बाद का रास्ता क्या है? उसमें शिकायत कर सकते हैं आप, सूचना आयोग को उनके ध्यान में ला सकते हैं कि इसका अनुपालन नहीं हुआ है, और या फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के में कार्रवाई करा सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 16 में हाई कोर्ट को जो है लोअर कोर्ट के भी ऑर्डर का अनुपालन करने का अधिकार होता है, लेकिन आपको ये देखना है कि अपील पीरियड एक्सपायर होना चाहिए, अदरवाइज जैसे आप कंटेम्प्ट करोगे वो चैलेंज कर देगा, वो रिट कर देगा। तो इसलिए आपको ये देखना है कि जो अपील पीरियड होता है 90 दिन का, वो एक्सपायर होता है और फिर अनुपालन नहीं होता है, तब फिर कंटेम्प्ट का मामला बनता है, और उसमें फिर 6 महीने तक कैद हो सकती है, सिविल कंटेम्प्ट हो तो भी। तो ये एक उपाय है, हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, सूचना आयोग में आप शिकायत भी कर सकते हैं, और सर, केवल जैसे सेकंड अपील का अपील का राज्य निर्णय सूचना हुआ है आयोग के तो बाद पहले केंद्रीय आपको, सूचना आयोग को करनी होती है क्या? ठीक, थैंक यू सूचना आयुक्त सर। तो क्या भारत में किसी भी कोर्ट को पावर ही नहीं है लोअर कोर्ट को कंटेम्प्ट का, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही कंटेम्प्ट में पनिश करने का पावर होता है, लोअर कोर्ट में किसी भी कोर्ट को अपने ऑर्डर का स्वयं पालन करवाने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो वो केवल जो अपना डिक्री या इसमें सिविल क्रिमिनल कोर्ट के जो पावर होते हैं, समन्स जारी कर सकते हैं, वारंट जारी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर का अनुपालन न करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स में उनको पावर नहीं है। तो ये जो लिमिटेड पावर कुछ मैजिस्टेरियल कोर्ट को होते हैं थोड़े से कंटेम्प्ट से संबंधित, जो सीआरपीसी में दिए हैं, बाकी अपने ऑर्डर का अनुपालन करवाने के लिए उनको भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ता है, और सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो किसी भी कमीशन या ट्रिब्यूनल या कोर्ट का ऑर्डर अनुपालन करवा सकता है। तो ना सिर्फ स्वयं के ऑर्डर का बल्कि लोअर कोर्ट के भी ऑर्डर का जो अनुपालन करवाने का अधिकार है कंटेम्प्ट में, ये हाई कोर्ट को ही है। इसमें आप 16 पढ़ लीजिए, सेक्शन 16 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, उसमें दिया हुआ है ये सब। और सर ये जरूरी नहीं है कि छोटी सूचना मान लो 10 साल की सूचना मांग ली, तो अगर मैं नहीं फीस भरने के लिए तैयार हूँ कि 40,000 पेज बने, मैं 80,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, तो क्या वो ये कह सकते हैं भी विस्तृत सूचना हम देंगे ही नहीं, आप अवलंकन कीजिए सिर्फ। उसमें मना नहीं कर सकते वो, लेकिन ऐसा है कि वो जो ऑर्डर होता है 7-9 यदि उन्होंने इन्वोक किया हुआ है, ऐसा है कि 40,000 पेज है तब भी फोटोकॉपी करने में कई दिन लग जाते हैं, वो इतना आसान काम तो है नहीं।
तो जहां पर डिसप्रोपोर्शनेट डाइवर्सेशन ऑफ रिसोर्सेस है, तो उसमें आपको देखना चाहिए कि वो जो आप मांग रहे व्यवहारिक है कि नहीं है। वो तो पूरा ट्रक भर के भी आपके घर भेज सकते हैं, लेकिन क्या वो पॉसिबल है? तो आपको ये देखना चाहिए कि जो सूचना देने से इनकार नहीं है, लेकिन जो चीज आप मांग रहे हैं उसमें डिसप्रोपोर्शनेट डाइवर्शन ऑफ रिसोर्सेस में जो संसाधन है, उसमें मैन पावर संसाधन कि उनका स्टाफ कितना है, उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं, उनका जो पैसा है, क्योंकि अतिरिक्त शुल्क केवल पैसा ही संसाधन नहीं होता है, संसाधन में कितना टाइम है, क्योंकि 30 दिन की डेडलाइन वो पार नहीं कर पाए तो फिर वो सूचना वो दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो संसाधन में सभी संसाधन आ जाते हैं उनके पास। हो सकता है स्कैनर ना हो, फोटोकॉपियर ना हो, प्रिंटर ना हो, या जो भी उनकी फैसिलिटी है, तो सीमित संसाधन के आधार पर वो यदि करते हैं तो उसमें फिर वो एक फॉर्म में मांगा है तो दूसरे फॉर्म में वो सूचना दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप 80,000 देते, हो सकता है आप करोड़पति हो तो ये नहीं कि पूरा ऑफिस ही खरीद लोगे आप ट्रक दे के, पूरा ट्रक में सूचना मंगवा लोगे, तो ऐसा नहीं। जो व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल होता है, वो सभी संसाधन उनके देखने होते हैं थैंक और यू सर। उसमें फिर सर वो। एक हाँ क्वेश्चन कर इसके साथ ही क्वेश्चन, एक मैंने आरटी लगाई, उन्होंने ये लिख के भेज दिया कि आपकी मांगी हुई सूचना, जन मेरे पास कागज है कि आप द्वारा मांगी गई सूचना जनहित में प्रतीक नहीं होती, इसलिए आपको ये सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। क्या ये जवाब धारा सही कौन सी लिखी है? ऐसा है कि है? एट सर वन कोई डी धारा नहीं लिखी, सिर्फ इतना लिखा कि आप द्वारा मांगी गई सूचना जनहित में प्रयोग नहीं हाँ, तो है, वो फिर प्रतीक नहीं होती। वो गलत है, वो 6-2 का उल्लंघन है, क्योंकि 6-2 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी सूचना मांगने के लिए आपको वो सूचना क्यों चाहिए ये आपको बताना आवश्यक नहीं है। तो वो जो ऑर्डर है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये 6-2 का उल्लंघन है, थैंक और बिना जनहित के भी सूचना आप मांग सकते हैं। यू जनहित हेलो साबित करना तभी आवश्यक होता है जब वो 81D, E या J का मामला हो, तो ऐसे हेलो मामलों में फिर वो जनहित वाला मामला आता है। हाँ जी, हाँ यस, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरी ना एक इंक्वायरी हुई थी, मैं राजू मैडम बात कर रही हूँ सर, सिरसा से हरियाणा में। हाँ जी, हाँ जी, कहिए। सर मैंने ना एक इंक्वायरी हुई थी मेरे केस में, उसमें मैंने इंक्वायरी होने के बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया और केस मेरा क्लोज कर दिया। उस इंक्वायरी के लिए मैंने अपनी आरटीआई में रिपोर्ट मांगी कि मुझे रिपोर्ट दो, उन्होंने रिपोर्ट ना तो मुझे इंक्वायरी की रिपोर्ट आरटीआई में दी ना वैसे दी, और आज तक मेरा जो केस था क्लोज कर दिया, उस पर मैंने रिजाइंडर फाइल कर दिया, तक उन्होंने रिजाइंडर पर कार्रवाई नहीं करी। अब सर इसमें मैं क्या करूँ जी? जी, इसमें जो एग्जेम्पशन है ना, 81E या 81J लागू नहीं होता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था गिरीश रामचंद्र देशपांडे की, इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं दी जा सकती है, तो उसमें आपको ये कहना है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई ये हमने नहीं मांगा है, हमने तो ये मांगा है कि मेरी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। तो यदि शिकायतकर्ता स्वयं अपनी शिकायत पे कार्रवाई मांगता है तो फिर वो 81E या 81J में एग्जेम्प्टेड नहीं है, और हर शिकायतकर्ता को जानने का अधिकार है कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, चाहे वो क्लोज कर दी गई तब भी वो क्लोजर रिपोर्ट उसको दी जानी चाहिए, तो ये अधिकार तो उसका है ही। तो इसलिए उत्तराखंड सूचना आयोग का एक ऐसा निर्णय भी है 2018 का, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो एग्जेम्पशन 81E या 81J का, इसमें लागू नहीं होता है, और शिकायतकर्ता को ये जानने का सर अधिकार है कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि वो उस अधिकारी के विरुद्ध या अधिकारी की क्या कार्रवाई हुई ये जानना नहीं चाहता है, वो स्वयं अपनी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई ये जानना चाहता है, तो ऐसे मामले में वो एग्जेम्पशन लागू नहीं होता और सूचना दी जानी चाहिए। धन्यवाद। सूचना नहीं दे रहे मुझे, इसके लिए मैं क्या करूं जी? अच्छा, फिर आप फर्स्ट अपील कर दीजिए आप। सर मैंने फर्स्ट अपील भी कर ली थी, उसमें भी उन्होंने कोई जवाब नहीं हाँ, तो दिया जी। फिर आप सेकंड अपील कर सर लीजिए। फर्स्ट अपील करने के बाद 45 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिलना चाहिए, और 45 दिन में रिप्लाई नहीं मिला तो आपका सेकंड अपील का अधिकार बन जाता है, और सूचना आयोग में आप सेकंड अपील कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। मैडम मेरा एक छोटा सा सुझाव था आपको, हाँ आप जी की एक महिला है और आप लीगल एड में ना रिट याचिका भी इसके हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, उसमें होगा जाएगा कुछ नहीं, मगर आप ये भी कर सकते हैं। सर, जो मेरा मैटर है ना वो इतना, वो अगर कंटेम्प डाल दूँ ना, हमारे 4-5 अधिकारी सीधे जाते हैं जी, और जो अधिकारी का दोष है ना वो बच जाएगा, सारे डिपार्टमेंट को पता है। कंटेम्प्ट फाइल कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो कोर्ट है ना हाई कोर्ट से आया था और SC ST कमीशन में से होकर आई मैं, अगर मैं कंटेम्प्ट डाल दूँ तो सर 5 अधिकारी जाएंगे। डालिए ना मैडम, सोच क्यों रहे हैं? सर मैं ये सोचती हूँ कि एक के एक, एक सेकेंड मैडम, देखिए आप लोगों को इतने अधिकार मिले हुए मैं हैं तो कानूनी राम तौर से, है ना, उसके बावजूद अगर आप लोग सोचेंगे इतना कि डाले कि ना डाले, तो देखिए होगा जो भी होगा निर्णय, वो एक बात की विषय है ना, मगर आप कम से कम लड़ाई तो पूरी लड़ लीजिए अपनी।
जी सर, मैं लड़ रही हूँ, मैंने रिजॉइंडर फाइल किया है DW में, कि आप मेरा जवाब दीजिए। अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। जी जी सर। जी सर प्लीज कंटिन्यू, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर, बस थैंक यू सर। जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग और जिनके आप लोगों के प्रश्न हैं तो हैंड रेज का ऑप्शन आप चुन चुन सकते हैं, और हैंड रेज के ऑप्शन आते ही हम आपके प्रश्नों को लेंगे। और इस बीच देवेंद्र अग्रवाल जी भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो देवेंद्र अग्रवाल जी यदि पर्सनल इंफॉर्मेशन और इस तरह से जो भी इश्यूज हैं थर्ड पार्टी से संबंधित, आपके भी विचार यहाँ पर रखना है तो प्लीज स्वागत रहेगा। पवन पवन विजन डिस इंजीनियर पवन, हाँ ये पवन जी हैं, पवन मेश्राम है शायद, मैंने अपना नाम चेंज किया है। जब तक पवन जी आपके क्या किसी का प्रश्न है? अगला प्रश्न नहीं आता है। जय हिंद सर, सभियों को, साथियों हाँ, लोगों को। और इसके बाद मेरा नरेश, क्वेश्चन है कि आप जो पवन पवन जी के बाद में नरेश कुमार जी का प्रश्न लेंगे, फिर वीरेंद्र कुमार वर्मा का लेंगे, तो बारी बारी से इस तरह से आएगा वर्मा जी का। तो पहले पवन जी आप अपनी बात रखें, और अपनी बात शॉर्ट एंड स्वीट वे में आप लोग रखें, ज्यादा टाइम में मतलब डिस्कशन को प्रोलॉन्ग ना किया करें, प्रश्न रखें और उसका उत्तर पाएं, बस इस तरह से हो जी। बताएं मेरा प्रश्न यह है कि हमारे कर्मचारी का सर्विस बुक जो मैंने RTA के तहत जानकारी मांगी थी उस पे केवल ऊपर का केवल एक ही पेज देना है, क्योंकि मैंने सर्विस बुक का समस्त पेज और अटेंडेंस का समस्त यानी डेट वाइज मांगा था। तो मुझे बस इतना ही जानना है कि सर्विस बुक की पूरी जब से उनकी नियुक्ति हुई है और उससे लेके आज दिनांक तक का पूरा सर्विस बुक का दस्तावेज मुझे मिलेगा, या फिर केवल ऊपर का एक फ्रंट पेज दे देंगे, बस हो गया। ये सर्विस बुक जो है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्राइवेट होती है। तो पूरी सर्विस बुक नहीं मिलती है, उसमें उनके फैमिली मेंबर्स के नाम होते हैं, उनके GPF नॉमिनेशन का होता है, उनके 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। केवल उसमें डिसिप्लिनरी कार्रवाई के भाई होता है, जो वो भी व्यक्तिगत सूचना माना गया है, तो उसमें वो 81E और 81J के दोनों एग्जेम्पशन लागू होते हैं। तो इसमें जो आपको यदि PSKL या फिर प्रमोशन या इस तरह की चीजें मांगनी है तो वो आप यदि मांगो तो फिर आपको मिल जाएंगी सर्विस बुक में। वो धारा 10 में कुछ सूचना देंगे और कुछ सूचना नहीं देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो उसमें धारा 10 के अनुसार जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो दे दी जाती है, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है वो देने से मना किया जा सकता है। इसमें DOPT का एक सर्कुलर है, तो DOPT ने इसमें सर्कुलर भी जारी कर रखा है सभी विभागों को कि सर्विस बुक जो है ये इसमें नहीं दी जा सकती है। तो उसमें आप धारा 10 लगती है और पूरी की पूरी सर्विस बुक आपको नहीं मिल सकती है। तो उसमें एग्जैक्टली आपको क्या ग्रीवेंस है या क्या चाहिए वो आपको उसमें मांगना चाहिए, तो फिर आपको वो मिल जाएगा। पूरी की पूरी सर्विस बुक के सभी पेजेस आपको नहीं मिल सकते। जिस एग्जैक्ट प्रकार जो से प्रॉब्लम, सरकारी हाँ एग्जैक्ट जो कर्मचारी प्रॉब्लम है वो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए, कि उसका नियुक्ति गलत हुआ है, प्रमोशन गलत हुआ है, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन है, आपकी क्या एग्जैक्ट चीज है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो फिर उससे संबंधित सूचना आपको मिल सकती है। अदरवाइज उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि 81E और 81J में वो एक्सेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। सर, मैं थोड़ा आपका सा ऐड करना चाहूंगा। कहना, आपका पवन कहना जी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसके तहत सर्विस बुक दी जा सकती है। मैंने इसको देख लीजिएगा, संभव मुझे उम्मीद तो है कि नहीं, आपका काम उसमें हो जाना चाहिए। सर जो एट कह वन रहे जे हैं में वो मैंने बिल्कुल एट सही वन जे बात में है। मैंने बता दिया, 81J में कोई प्रिसिडेंस लागू नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केस में अलग अलग निर्णय दे सकता है, जो हाई कोर्ट अलग अलग केस में अलग अलग निर्णय दे सकते हैं, सूचना आयोग अलग अलग केस में अलग अलग निर्णय दे सकते हैं, अपीलीय अधिकारी और PIO भी अलग अलग निर्णय दे सकते हैं। उसमें केवल टेस्ट लागू होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा है तो दे दिया, तो जिसने पब्लिक इंटरेस्ट साबित कर दिया उसको मिल गया, जिसने पब्लिक इंटरेस्ट साबित नहीं किया उसको नहीं मिला। तो इसलिए कोई भी किसी का भी निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, इस तरह का इसमें नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टेस्ट दिए केवल टेस्ट अप्लाई करनी होती है, इसमें कोई भी प्रेसिडेंस लागू नहीं होता। इसमें किसी भी कोर्ट का निर्णय कोई भी कोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है, केस टू केस बेसिस पर अलग अलग निर्णय सब ले सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सर, MP में राहुल सिंह सर का भी एक आदेश आया हुआ था, उस आदेश के हवाले के तहत मुझे लोक सूचना अधिकारी ने तो नहीं दिया, अपील में जाने के बाद में मुझे दे रहे हैं तो केवल एक ही पेज दे रहे हैं।
और उस हाँ पेज के तो ये द्वारा प्रमोशन का उल्लेख हो रहा है, और जिस प्रकार से वो पीएचडी उस समय नहीं किए और पीएचडी बाद में करने के बाद डॉक्टरेट लगा रहे हैं, और उस तहत इन्हें उनने एनओसी लेकर पढ़ाई करनी चाहिए, वो चीज नहीं किए, पदोन्नति नहीं किए। अब एक जो आरटीए का आरटीए लगाता है उसको ये थोड़ी मालूम है कि पर्टिकुली सारे समस्त दस्तावेज का उल्लेख कर रहे हैं, तो जो चीज नहीं दे रहे हैं तो वो चीज भी तो उल्लेख करे कि हम ये चीज नहीं दे सकते, इस धारा के तहत नहीं दिया जा सकता है, तो उस कंडीशन में क्या कार्रवाई करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए, जो एग्जामिशन है वो देना चाहिए। इवन धारा 10 में भी लिखा है कि जो जो सूचना नहीं दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं दे रहे, कौन सी धारा में, या जो बाकी पेजेस है वो क्यों नहीं दे रहे, वो उसमें बताना चाहिए। तो वो यदि नहीं दिया तो आप अपील में चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका मामला कौन से स्टेट का है? एमपी स्टेट का अच्छा, है, एमपी एमपी का ही है। स्टेट, ओके ओके ओके। और राज्य सूचना आयोग में राहुल सिंह का एक निर्णय भी आया हुआ था, जो जिस प्रकार से शासकीय कर्मचारी जो हम टैक्स पे करते हैं उससे उनका पेमेंट होता है, उस तहत वो जो कार्य करने के लिए बाधित है उस तहत उनका प्रमोशन और सारी चीजों के तहत आता है, इसलिए हाँ, सर्विस तो आपको बुक उसमें ये। स्पेसिफिक, देखिए सर्विस बुक अलग आइटम है, सर्विस बुक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, उसमें बहुत सारी चीजें पब्लिक होती है। आपको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, या जो भी आपके बिंदु है कि जैसे पीएचडी वाला मामला है, या क्वालिफिकेशन है, इंक्रीमेंट गलत दिए या प्रमोशन गलत दिए, जो भी चीज है वो आपको पब्लिक इंटरेस्ट में आप बताना पड़ेगा कि ये चीज है, ताकि उस मामले की वो जांच कर सके। अदरवाइज पूरी की पूरी सर्विस बुक नहीं मिल जाएगी, क्योंकि उसमें जीपीएफ नॉमिनेशन होता है, उसमें उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसमें उनका आधार कार्ड नंबर या खाता संख्या हो सकता है। तो पूरी पूरी जो सर्विस बुक है वो नहीं दी जाती है। यहाँ तो फिंगरप्रिंट ही पहले वाला पेज दे दिए हैं, बाकी चीजें नहीं दे रहे हैं वो, हाँ, तो जिस प्रकार से वो जो वैसे भी नहीं मिले, वैसे भी नहीं मिलेंगी। उसमें ऐसा है ना कि आपको ये जो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका स्पेसिफिक, देखिए आपको पूछना क्यों चाहते हैं, वो कारण जब तक आप नहीं बताएंगे, क्योंकि 81D, 81E और 81J में 6-2 के वो उसको एक्सेप्शन माना गया है। तो उसमें आपको पब्लिक इंटरेस्ट बताना पड़ेगा कि क्यों आप चाहते हैं, तो फिर वो केस टू केस बेसिस पर वो दिया जा सकता है। कि अब आपने मैंने तो साबित कर ये दिया तो आपको मिल जाएगा, आप साबित नहीं कर जानकारी पाए अपेलेट, तो फर्स्ट या सेकंड अपेलेट लेवल पर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको क्यों चाहिए, तो फिर आपको दी जा सकती है वो सूचना। और यदि साबित नहीं कर पाए तो फिर आपको नहीं मिलेंगी। आपका कहना तो मैं कुछ हद तक समझा, लेकिन मेरा एक और, जब मैंने आवेदन लगाया था तब अभी करंट में जहां पदस्थ हैं उस संस्था का नाम उल्लेख करते हुए वहां पे पदस्थ का मैं उनका नियुक्ति पत्र साथ में मांग रहा हूं, तो वो चीजें वो नहीं दे रहे और ना देने का कोई उल्लेख कर रहे हैं, और अपीलीय अधिकारी ने आदेश किया है कि समस्त नहीं जानकारी 8(1)(j) के तहत नहीं आता है और आपको मतलब देना है करके, तो उस हाँ, तहत अगर एक तब तो पेज आपके दे रहे हैं फेवर तो में ही है, उसको क्या तब तो आपके कमी है। फेवर में ही है। तब तो फिर जो अपीलीय अधिकारी है उन्हीं के आपको संज्ञान में लाना है कि इन्होंने सूचना नहीं दी और आपके आदेश का अनुपालन नहीं किया। क्या आपने अपीलीय अधिकारी को बताया? अभी तो कल ही आया है मेरे पास में, हाँ, तो आया तो अपीलीय अधिकारी को नहीं आया तो फिर टाइम भी होगा उसमें। मतलब कल आया और आप आज सवाल पूछ रहे, तो उसमें कितने दिन में टाइम, पीआईओ को कुछ टाइम भी तो दिया होगा, कितने दिनों में सूचना देनी है। सूचना कल आई है मेरे पास में 24 पेज की, जिसमें केवल ऊपर का फ्रंट का एक ही पेज भेजे, इसलिए आज क्या वेबिनार था हाँ, तो तो फिर आपका मैंने, सेकंड अपील का अधिकार बन जाता है। फिर उसमें जो जो चीजें नहीं मिली है ना, या फिर अनुपालन ठीक से नहीं हुआ है प्रथम अपीलीय अधिकारी का, तो पहले आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को ही लिखिए कि आपने ये आदेश देने के बाद भी पीआईओ ने इसमें ये सूचना नहीं दी है, और क्या क्या नहीं दी है उसका आप उल्लेख करिए, जी, थैंक और जो यू मिला है सर, उसको जो मिला है उसको एक्नोलेज भी करिए कि ये चीजें मिली है ना। जी, थैंक यू सर। सर, पहली आरटी जैसे आरटी लगाते हैं 3 दिन में जवाब मिल जाता है, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं है तो क्या आप 30 दिन पूरे करने के बाद ही फर्स्ट अपील लगानी है, या आत्मवाद लगा तीस सकते हैं? दिन पूरे होने के पहले फर्स्ट अपील लगानी है। 30 दिन के बाद तो लिमिटेशन ही खत्म हो जाएगा, फिर तो आप अपील लगा ही नहीं पाएंगे। ऐसा है ना, आपको जैसे ही रिप्लाई मिलता है आपका अपील का अधिकार बन गया, आप सेम डे फाइल कर सकते हैं अपील। 30 दिन जो है वो अधिकतम सीमा है, वो मिनिमम सीमा नहीं है कि आपको वेट करना है 1 महीना 3 महीना, ऐसा नहीं है। अच्छा, आरटीआई लगाने के बाद 30 दिन वेट नहीं करना क्या? हाँ, आरटीआई लगाने के बाद वेट करना है, मैं बोल रहा हूँ कि रिप्लाई जब मिलता है उसके हाँ, बाद रिप्लाई तुरंत मिल गया आपका तो अधिकार उसके तुरंत बन बाद लगा जाता है। सकते हैं। आरटीआई के बाद तो आपको 30 दिन, क्या 37 दिन वेट करना चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ता रिप्लाई आने में भी लगता है। अदरवाइज वो पीआईओ साबित कर देगा कि 29वें दिन उसने रिप्लाई दिया और आपके साथ जाएंगे, तो उसमें फालतू लिखा पड़ी हो जाती है और ओके ओके आपके ओके धन सर, और एफर्ट वेस्ट हो जाता है और कुछ नहीं मिलता। तो 1 आध हफ्ता ज्यादा भी वेट करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या स्वयं की सेवा पुस्तिका और सेवा अभिलेख सर ये भी मना है क्या देना का? नहीं, वो अलाउड है,
उसमें तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है, स्वयं पुस्तिका, आप सेवा पुस्तिका तो क्या, आप अपना पूरा पूरा ACR भी ले सकते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो स्वयं का जो है वो पर सूचना में नहीं आता है, तो उसमें धारा 2N और 81J लागू नहीं होता है। स्वयं की सूचना कोई भी ले सकता है, वो व्यक्ति मतलब स्वयं जो है वो जी ले सकता है। जी थैंक यू सर। स्वयं की इंक्वायरी रिपोर्ट भी दी जाती है क्रिमिनल कोर्ट में, तो आरोप पत्र भी देता है, जज भी लिख के देता है कि ये आरोप है आपके खिलाफ, उसके बाद ही सजा होती है। तो जी व्यक्ति का स्वयं का तो पूरा अधिकार होता ही है, जी सर, पूरा उसका ट्रायल थैंक भी चलता है, उसको मौका भी दिया जाता है, तो व्यक्ति का तो अधिकार होता ही है। RTI के पहले भी ये था। जी सर, थैंक यू हाँ सर। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में ऐसे नियम भी है कि जो जो नरेश कुमार ACR होती जी, है ना अगला उसको प्रश्न। कम्युनिकेट करना जरूरी है, और ACR पे प्रत्यावेदन भी दे सकते हैं। तो 1995 में ये ACR के रूल्स भी है कि ACR यदि उन्होंने बना लिया और कम्युनिकेट नहीं किया तो उसका कोई वेटेज नहीं है, तो उनको देना पड़ता है ACR, क्योंकि ACR का उद्देश्य हायर एंड फायर नहीं है, ACR का उद्देश्य एम्प्लॉय के काम में सुधार करना है। तो इसलिए ACR की कॉपी देनी ही पड़ती है, और उसको ACR के खिलाफ प्रत्यावेदन का भी एक अपॉर्चुनिटी देने का नियम है, ऐसा उत्तर प्रदेश में 1995 की नियमावली है। तो ACR तो देनी ही पड़ती है, ये नियम है, बिना बिना RTI के भी। नरेश कुमार जी, अब आपका प्रश्न हाँ क्या है? हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है इंद्र सर से कि जैसे क्या होता है कि जैसे कि मैनुअल प्रोसीजर होता है और जिसके तहत डिपार्टमेंट, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्टर होते हैं जिसके तहत डिपार्टमेंट काम करता है, तो बहुत सारी मैंने वेबसाइट पे की, उसने 4-1 का कंप्लाइंस कर रखा, तो उसमें सिर्फ इतना लिख रखा कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम मैनुअल प्रोसीजर करती है उसके तहत हमारा डिपार्टमेंट काम करता है, उस सर्विस रूल के तहत डिपार्टमेंट काम करता है। लेकिन जब मैंने वो मैनुअल प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट के ऊपर पढ़ा, तो उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था कि भाई ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के लेवल के ऊपर फॉलो किए जाते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो जो नीचे जो इंस्टीट्यूशन होता है स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उनकी जो होती है, क्या वो उन पे भी लागू होंगे वो रूल्स रेगुलेशन मैनुअल प्रोसीजर के? ये तो देखिए, मैनुअल सब लोग अपने अपने ढंग से बनाते हैं, क्योंकि 120 दिन टाइम था और सब लोग अपना बना लेते हैं, और उन्होंने बना भी दिया है, लेकिन अब कोई डिटेल उसमें मिसिंग है तो फिर आप चेक में RTI एप्लीकेशन लगा सकते हैं। रही बात अप्लीकेबिलिटी की, तो कौन सी चीज किस पर अप्लीकेबल है, ये लीगल एडवाइस माना जाता है, और ये लीगल एडवाइस आप RTI में नहीं मांग सकते, क्योंकि हर PIO का अलग अलग एडवाइस हो सकता है। तो वो केवल अपने जो नियम लागू है वो उसकी कॉपी दे सकता है, उस पर कमेंट्री करने के लिए वो बाध्य नहीं है। तो इसलिए कौन से नियम लागू है लागू नहीं है ये तो विधिक एडवाइस का विषय है, लेकिन मैन्युअल यदि ठीक से नहीं बने हैं या कुछ चीजें उसमें डिस्क्लोज नहीं की गई, तो फिर उसमें आपको 6(1) में RTI एप्लीकेशन लगा के आप वो चीज मांग सकते हैं, ताकि वो कौन से नियम अप्लीकेबल है उसकी कॉपी आपको मिल सके। हेलो। हाँ यस, तो हाँ सर, विभाग मैं को भी कहते ऐसे थे मामले, हाँ विभाग को भी जी ऐसे सर, मामले में ये करना चाहिए कि वो यदि बहुत सारे लोग नियम मांगते हैं तो उनको वो मैनुअल या जो भी चीज है वो शामिल कर लेना चाहिए RTI में, जैसे हमारी कॉलेज के बायलॉज है, लीव रेगुलेशन है, तो बहुत सारी चीजें होती है, या जैसे परचेज की प्रक्रिया है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट रूल 2017, सब चीजें बीरन हमने जी, पब्लिक कर हेलो रखी है बीरन जी, ताकि ताकि लोग जो है वो उसको आसानी से डाउनलोड कर सके। तो वीरेंद्र जी मैं इस ये कह तरह रहा से हूँ। उनको जो सुओ हेलो मोटू डिस्क्लोजर है वो 4(1)B में उनको अधिक से अधिक जो जो नियम अप्लीकेबल है वो उनको अपलोड कर देने चाहिए। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं है, तो थोड़ा मतलब माइक के पास से बोलिए आपकी ताकि, आवाज क्लियर नहीं आ रही, ये नेटवर्क की मेरे एंड पे प्रॉब्लम है हाँ या नेटवर्क का इशू हो सकता लेवल है। की आपकी आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है, तो थोड़ा सा माइक के करीब अच्छा अगर। अच्छा ओके 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 हाँ ओके ओके, मेरा वॉल्यूम कम होगा, बाकी नेटवर्क हाँ तो हाँ मुझे लगता है शायद ठीक ही है ना। जी हाँ जी, हाँ जी, ओके। वीरेंद्र कुमार वर्मा जी का क्या प्रश्न है? वीरेंद्र कुमार वर्मा जी, फिर अगला प्रश्न लेंगे, सैमसंग SM समथिंग से है, इनका नाम इसमें नहीं दिख रहा है। वीरेंद्र कुमार वर्मा जी बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार, कहाँ से हैं? हम सर गिरिडीह झारखंड से हैं।
हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ आपकी जी, आवाज आ पूछिए रही है, आप, आप यस अपना प्रश्न पूछें। हाँ सर, जैसे मैं आरटीआई जो है कि मेरे ऊपर कोई केस बना दिया है सर, थाना वाला, जो मेरा मैं पहला केस किया, उसके बाद वो जो है जब मैं केस करने गया तो अभियुक्त को बुला लेता है थाना में, और उससे जो है मेरे ऊपर काउंटर केस, तो मोबाइल डिटेल जो है हम साबित करना चाहते हैं कोर्ट में सर, जो कि किस तरह से अभियुक्त से हमारे ऊपर करवाया जाता है, तो एक मोबाइल जो डिटेल है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? और दूसरा है सर, जो आगत और निर्गत पंजी होता है हर विभाग में, वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी, आप आरटीआई एप्लीकेशन लगा दीजिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो उस पीआईओ पर भी डिपेंड होता है, क्योंकि आगत निगत परिचित जो है, इनकमिंग आउटगोइंग जो रजिस्टर होता है डाक का, वो तो मिल जाता है जनरली। और जो दूसरा आपने ये पूछा कि जो साबित करना है, तो वो बारी तभी आएंगे जब प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर दे, तो इसलिए उसमें कॉल डिटेल्स वगैरह जो होते हैं ये जनरली व्यक्तिगत पूछना है, और ये कंपनी कोई भी मोबाइल कंपनी नहीं देती है, वो सिर्फ पुलिस या कोर्ट को ही दे सकती है। तो नहीं पुलिस तो या हम कोर्ट के पुलिस माध्यम से, हाँ पुलिस या कोर्ट के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। नहीं तो पुलिस से हम मांगे ना सर, जैसे जो जैसे हम गए तो वो पहले जो वरीय आप पुलिस पदाधिकारी है उसको हमको दिखाना है ना कि के पास सर ये किस पुलिस तरह या जब हम डिपार्टमेंट, इंसाफ मांग। पुलिस के पास कॉल डिटेल्स नहीं होती है, पुलिस जब मांगती है तब कॉल डिटेल्स आती है, कॉल डिटेल्स मोबाइल कंपनी के पास होती है। और पुलिस ने यदि कोई चीज, जो भी मटेरियल उनके पास है, तो धारा 160 161 के जो बयान है, तो वो ट्रायल चलने के पहले जो मैजिस्ट्रेट है वो देता है। तो यदि कॉल डिटेल से ऐसा कोई भी चीज है तो उनके पास वो चीजें होती है, और वो सभी चीजें एफआईआर की कॉपी के साथ वो अभियुक्त को पहले दिया जाता है, तो ये सीआरपीसी में भी प्रावधान है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप, और दूसरी बात है कि डिफेंस की बात कोर्ट नहीं सुनता है, कोर्ट हमेशा पहले प्रोसिक्यूशन की बात सुनता है, क्योंकि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। तो आपको साबित कुछ नहीं करना है, पहले पुलिस को अपना केस साबित करना है कि अपराध बनता है, बाद में आपकी बारी आएगी कि आपका अपराध नहीं बनता है। तो इसलिए डिफेंस में आप यदि मैजिस्ट्रेट के सामने कुछ देंगे भी, तो मैजिस्ट्रेट आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि पहले वो प्रोसिक्यूशन की बात लेगा, प्रोसिक्यूशन या जो कंप्लेनेंट है पहले उनकी बात सुनी जाएंगी, और वो यदि अपना केस साबित करते हैं तो ही आपको अपने आप को निर्दोष साबित करना है, अदरवाइज आप निर्दोष पहले से ही है। नहीं वो तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन जो पुलिस गलत अनुसंधान कर रहा है, जैसे हम बयान दे रहे हैं, जैसे मेरा पहला नहीं, केस गलत है। भी कर रहा है, गलत भी कर रहा है तो देखो, वो चार्जशीट में आएगा ना, वो चार्जशीट की कॉपी मिल जाती है, उसमें ऐसा है कि यदि आपका स्वयं का चार्जशीट की कॉपी भी देता है मैजिस्ट्रेट, चार्जेस नहीं वो चार्जशीट फ्रेम तो करने के मिल पहले, जाता है हाँ सर, लेकिन वो चार्जशीट मिल डायरी। जाता है। एक मिनट सर, वो मेरा जो कहना है ना, जैसे पुलिस, आप मान लीजिए हमने जो केस किया है तो उसमें हम जो बोल रहे हैं सर, फलाना फलाना व्यक्ति घटना को छुड़ाने के समय मौजूद था, तो उनका बयान वो नहीं लेता और मेरे बयान को उलट फेर करके लिखता है। हाँ, जैसे तो मैं उसमें अपना केस की फिर बात कर रहे हैं सर, अभी एक मिनट के लिए वो हम अभियुक्त हैं, उस केस को हम छोड़ दिए, लेकिन जो मेरा केस है सर, न्याय पाना मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन मेरे बयान को ही हम केस दर्ज कराए आ रहे थे, वो बयान नहीं ले रहा है मेरा, और हम जो अपने हाँ, पक्ष से एविडेंस को देना चाहते हैं उनका बयान नहीं ले रहा है, उसमें आप उसको चैलेंज कर तो इसके लिए हमको सकते हैं क्या, वो मैजिस्ट्रेट की कॉपी भी कोर्ट के मांगते सामने, हैं सर, और वो भी दूसरा कि नहीं आपको देता है अपना हमको। स्वयं का वकील रखने का, आपको अपना अपना वकील रखने का भी अधिकार है, तो आपको पुलिस पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन जांच ठीक से नहीं किया है, तो आप उनकी जो रिपोर्ट है उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, आप तो उसमें चाहो रिपोर्ट तो, आखिर जैसे लोग मिलेगा थे, तभी ना कर सकते हैं सर जी, वो नहीं रिपोर्ट तो इसीलिए मिलेगी, तो रिपोर्ट तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा तो होगा ये ना कि लेने के लिए हमको क्या करना होगा, इसीलिए हम जो है मेरा सवाल नहीं है। वो तो आप उनसे, वो मैजिस्ट्रेट आपको दे देगा, मैजिस्ट्रेट जो होता है वो रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को देता है, और विक्टिम अपना भी ये वकील खड़ा कर सकता है, और सब वकील आपस में वो डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करते हैं। तो जो पक्षकार, यदि आप उस केस में, चूंकि आप विक्टिम या इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट होने के नाते उस केस में आप है, तो उसमें आपको भी कॉपी मिल सकती है, तो मैजिस्ट्रेट ये कॉपी सभी को दिलवाता है। तो इस सीआरपीसी की कौन धारा के तहत हम ले सकते हैं सर, ताकि मैं कोर्ट में ही अपना आवेदन दूं। सीआरपीसी में पूरा एक पूरा चैप्टर है इसका, धारा नहीं, पूरा एक चैप्टर है कि जो प्रोसीडिंग जो है ना, ट्रायल शुरू होने के पहले, तो ट्रायल शुरू होने के पहले मैजिस्ट्रेट जो है, ये 190 से 211 तक का आप देख लीजिए पूरा, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस तक, तो इसमें कॉग्नाइजेंस से लेके फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो है, इसमें ये मैजिस्ट्रेट सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी सभी पक्षों को देता है, तो विक्टिम को भी देता है, और कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट जो है, जिसने कंप्लेंट या एफआईआर लिखवाई है, उसको भी ये कॉपी मिलती है, और वो चैलेंज भी कर सकते हैं उसको।
और अपना वकील भी रख सकते हैं, तीनों रख सकते हैं, आरोपी भी रख सकता है अपना वकील, पुलिस भी अपना वकील रखती है जिसको प्रोसिक्यूटर बोलते हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, पीपी या एपीपी, और जो विक्टिम है वो भी अपना वकील रख सकता है। तो ये तीनों पक्षों को अधिकार है जी। तो इसमें सर जो एगो सूचना अधिकार जो 48 घंटे के अंदर सूचना लेना है, तो हम कौन कौन सूचना जो 48 घंटे के अंदर मांग सकते हैं, जो जन सूचना पदाधिकारी को देना है? ऐसा है कि 48 घंटे में एफआईआर की कॉपी तो मिल जाती है, लेकिन ये जो चार्जशीट है इसको सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना है, तो इसलिए चार्जशीट की जो कॉपी है वो आपको आरटीआई में नहीं मिल सकती, क्योंकि उसको देने का प्रक्रिया है और चार्जशीट पहले मैजिस्ट्रेट का अधिकार है, तो मैजिस्ट्रेट जब तक खुद देख नहीं लेता, क्योंकि उसमें ये भी होता है कि जो विक्टिम है या जो विटनेस है उनको धमकी देने की भी आरोपी प्रयास कर सकता है, तो उनका प्रोटेक्शन करना ये भी चूंकि मैजिस्ट्रेट का काम है, तो मैजिस्ट्रेट जब तक वो चीजें नहीं देख लेता तब तक वो किसी भी पार्टी को उसकी कॉपी नहीं देता है, तो इसलिए जो भी चार्जशीट वगैरह होती है मैजिस्ट्रेट पहले खुद पढ़ता है और उसके बाद ही वो निर्णय लेता है कि ये चीजें उनको देनी है, तो खुद पढ़े, पहला अधिकार मैजिस्ट्रेट का है, आपका अधिकार मैजिस्ट्रेट से ज्यादा नहीं हो सकता है, अदरवाइज कोई भी किसी को भी धमकी देके उसको प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है, तो इसमें आप मांग सकते हैं, बाद में फिर यदि उनको लगता है कि 81H में या किसी धारा में प्रोटेक्टेड है तो पुलिस ऐसा जवाब देगा, पहले तो आप आरटीआई लगा के मांग लीजिए और फिर जब आपको रिप्लाई मिल जाता है तब आप बताइए, क्योंकि एफआईआर के मामले में होता है कि किसी को एंटीसिपेटरी बेल लेनी है तो अरेस्ट से बचने के लिए, तो वहां पर ये लाइफ और लिबर्टी वाला क्वेश्चन आता है और वहां पे 48 घंटे में सूचना आप मांग सकते हैं और वो मिल भी जाती है, और अब तो वो बन गया है आईसीजेएस है, इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो आप एफआईआर सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसमें आरटीआई लगाने की भी जरूरत नहीं, सभी एफआईआर पब्लिक हो जाती है महिलाओं से संबंधित ऑफिस छोड़ के, तो ये महिलाओं से या बच्चों से संबंधित जो है, तो ये कुछ केसेस छोड़ के सभी एफआईआर सभी स्टेट्स में पब्लिक है ऑलरेडी, अपनी वेबसाइट से आप अपने स्टेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जैसी फाइल होती है, और ये अखबारों में भी अगले दिन आ जाता है, तो एफआईआर का तो वो प्रेस को भी डेली ब्रीफिंग करते हैं सभी पुलिस स्टेशन वाले, तो एफआईआर का कॉपी भी नहीं देते हैं सर? कॉपी मिल जाती है, वो तो आप मांगो तो मिल जाती है, वो जब लिखाने जाते तब तो वो साइन करके मोहर करके लगा के भी देते हैं, और जो आरोपी होता है वो भी जब मांगता है तो उसको भी मिल जाती है, आरटीआई एप्लीकेशन में मिल जाती है, 48 घंटे में आप वो आप लगा सकते हैं कि 7(1) के परंतु के अंतर्गत आपको 48 घंटे में मिलना चाहिए, तो मिल भी जाती है और वैसे वेबसाइट पे भी छप जाती है तुरंत, अब तो सेम डे अपलोड हो जाती है, सभी स्टेट में ये व्यवस्था हो गई है ऑलरेडी। हाँ ठक्कर सर। हाँ जी। मैं आशीष नारायण बोल रहा हूँ। हाँ जी। ये एफआईआर मेरा एक केस में एफआईआर कॉपी तो हमको थाना खुद बुला के दे दिया था। हाँ ये तो देते हो। हाँ, और दूसरा बात है चार्जशीट मैंने आरटीआई करके निकाल लिया, हमको दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन समस्या हुआ था केस डायरी कटाई, मैंने चार्जशीट का कॉपी के साथ केस डायरी भी मांगा था, लेकिन हमको उसमें एसपीआईओ ने बोला जे मैं आपको केस डायरी नहीं दे सकता हूँ, उसका कहे कुछ उसमें मेरा बाइंडिंग्स है सेक्शन 8 का हवाला देते हुए हमको ये किया था, तो केस डायरी हम दूसरा तरफ से हम पढ़ लिया था उसमें, इसलिए मेरा कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसका उसको लेके फाइट करने का, तो ये तो हमको कहता है केस डायरी देना क्या माना है आरटीआई एक्ट पे, कोई मांगने से नहीं देगा ऐसा? अलग 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 हाईकोर्ट के निर्णय है, लेकिन इसमें जो भी होता है ना वो सीआरपीसी के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसी के तहत दिया जाता है, क्योंकि उसमें केस डायरी जो होता है ना वो केवल पुलिस का कहीं कॉन्ट्रेडिक्शन है या पुलिस वाले के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो आरोपी उसको यूज कर सकता है, तो इसलिए केस डायरी वगैरह भी वो मैजिस्ट्रेट के थ्रू मंगवाई जाती है और वो उनको मैजिस्ट्रियल कोर्ट में ही वो प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इसलिए आरटीआई में अलग अलग निर्णय है, कुछ हाईकोर्ट ने इनको दिलाने का ऑर्डर दिया है, कुछ हाईकोर्ट ने ये मैजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया गया है, तो इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं माना गया है, तो इसलिए ये हर एक केस डायरी में रहता क्या है? केस डायरी में ये होता है कि पुलिस ने क्या क्या काम किया उस केस में, किसको बुलाया, अमुक व्यक्ति के 160 में बयान लिए, अमुक व्यक्ति के 161 में बयान लिए, अमुक जगह पर गए वहां पे ये पंचनामा किया, तो ये जो जो काम करता है दिन भर तो वो सब केस डायरी में होता है, और उस केस के संबंधित जो जो इन्वेस्टिगेशन उसने किया, तो वैसे भी ये सब कॉपी जो है वो आरोपी को तो बाद में दी जाती है कि इसमें ये लोगों के बयान लिए और ये 161 के बयान है, तो यही सब चीजें केस डायरी में लिखा होता है, केस डायरी में वो उसने दिन भर में जो जो काम किए अलग अलग केस से संबंधित वो होता है, और उस केस से संबंधित जो एंट्रीज होती है
तो वो एंट्री जो है वो मैजिस्ट्रेट उस केस में मांगता है, तो फिर वो वहां पर वो केस डायरी जो है वो मैजिस्ट्रेट को दी जाती है। अच्छा, तो ये कंप्लेंट को तो ये मिल सकता है ना जब ट्रायल शुरू होगा? मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, वो मैजिस्ट्रेट देखता है, क्योंकि उसमें मेन चीज ये है कि क्या मतलब उसमें लिखा है, और पहला अधिकार मैजिस्ट्रेट का होता है, मैजिस्ट्रेट देखकर केस टू केस बेसिस पर निर्णय लेता है। तो वो कंप्लेनेंट क्या या इन्फॉर्मेंट मांगना? है उसका भी मांग तो सकते हैं, मांगने में क्या, लेकिन वो 8वें रेश में मना कर सकते हैं वो केस से, जांच से, या उसमें बाधा पड़ सकती है, ऐसा यदि उनको लगता है तो पुलिस नहीं, वाले वो एक जांच, कदम वो उठाएंगे। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, अब मैं तो फिर हाँ, चार्जशीट लेकिन फाइल कर दिया फिर पुलिस। भी हाँ, फिर भी केस डायरी जो है वो केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करती है, और चूंकि वो कोर्ट की प्रक्रिया में आता है तो वो सीआरपीसी के मुताबिक वो दी जाती है। अच्छा सर, और एक तो बात है, सेक्शन 38(2) सबसेक्शन 2 ऑफ डीपीटीपी एक्ट एंड सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई एक्ट व्हिच हैज द ओवरराइडिंग इफेक्ट एज ऑफ टुडे। उसमें ऐसा होता है कि जो बाद में हुआ है तो उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट माना जाता है, वो इसलिए कि पार्लियामेंट को ऑलरेडी मालूम होता है कि पहला एक्ट है वो उसमें ओवरराइडिंग इफेक्ट था ऑलरेडी, तो जो नया कानून है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट माना जाता है। दूसरी बात है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट तभी लागू होता है जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई हाँ, इनकंसिस्टेंसी होती है इंटरप्रिटेशन कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्शन यदि हो। तो इंटरप्रिटेशन का जो पहला नियम है वो है गोल्डन रूल, गोल्डन रूल या हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहते हैं, कि कानून का अर्थघटन ऐसे करना चाहिए कि इसका भी पालन हो उसका भी पालन हो। तो कोर्ट हमेशा दोनों कानून का पालन करवाने की कोशिश करता है, और यदि वैसा नहीं हो सकता है या गोल्डन रूल यदि लागू नहीं होता है तो फिर उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी चीज इनकंसिस्टेंट है, किसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, और उसमें कौन सा कानून माना जाएगा कौन सा नहीं माना जाएगा, अब तो उसमें फिर ये निर्णय आवाज आ होता रहा है। बाहर से। नहीं, लो को अरे वीरेंद्र भरवा सिंह साहब, नहीं आवाज। आपका माइक बंद कीजिए। हाँ वर्मा जी, वीरेंद्र कुमार वर्मा जी का माइक ऑन है। सर मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ जी, हाँ सर जी, ओके, थैंक यू। मैं सर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने सर पिछला साल बीएसएफ में एक आरटीआई लगाई थी जिसमें एक ऑफिसर की कंप्लेंट की थी मैंने, तो वहां से मेरे पास रिप्लाई आ गया था जिसमें उन्होंने सिर्फ जो ऑफिसर है उसका स्टेटमेंट मुझे भेजा है। उस स्टेटमेंट को सच साबित करने के लिए वो जो ऑफिसर था उसने कुछ प्रूफ दिए या नहीं दिए वो कुछ उसमें नहीं है, खाली उसके बोलने से तो सर सच नहीं हो जाएगा ना। तो उस समय क्या मुझे मालूम नहीं था कि फर्स्ट अपील भी लगा सकते हैं, तो मैंने फर्स्ट अपील वगैरह नहीं लगाई थी। फिर ये लास्ट दिसंबर में मैंने वापस से आरटीआई लगाई है और उसका जवाब जो आया है मुझे वो उन्होंने उसकी हायर अथॉरिटी को भेजा है लेटर कि हमने पहले इनको ये जवाब दे दिया था और अभी वापस से ये जवाब मांग रहे हैं, और मैंने पॉइंट वाइज जवाब मांगा है इस बार। तो मुझे फर्स्ट अपील लगाने के लिए कब तक वेट करना पड़ेगा? मैंने 28 दिसंबर को अपील लगाई थी और उनका जो जवाब आया था वो आया था करीब 15 जनवरी को, तो फर्स्ट अपील कब लगा सकता हूँ मैं? जवाब 15 जनवरी को मिल गया ना आपको, हाँ, जैसे ही आपको लेटर मिलता है आपका फर्स्ट अपील का अधिकार शुरू हो जाता है, तो आप उन्होंने सर सेम डे भी फर्स्ट अपील आप लगा सकते हैं। उन्होंने वो जो मेरा वो जो अपील थी उनकी हायर अथॉरिटी को उन्होंने भेजी है, तो हाँ, तो फिर आप वेट मैं कर लीजिए, वो हायर अथॉरिटी को जो भेजा है उसमें किस कारण से भेजा है, केवल जानकारी के लिए भेजा है कि उस पर कोई कार्रवाई अपेक्षित है, क्यों भेजा है, नहीं। वो लिखा है उसने उन्होंने आपको। हाँ, उन्होंने लिखा है कि इसमें आगे आप एक्शन लें, इस तरीके से अच्छा, हायर तो वो अथॉरिटी को बोला है। नहीं, एक्शन जो होगी दैट विल नॉट बी अंडर आरटीआई आई थिंक, वो क्योंकि इंक्वायरी का मामला है तो इंक्वायरी में एक्शन लेने के लिए कहा होगा तो वो दे विल टेक देयर ओन टाइम, क्योंकि उसमें आरटीआई की टाइमलाइन लागू नहीं होती है। अच्छा हायर अच्छा अथॉरिटी जो है वो क्या, वो अपीलीय अधिकारी के नाते दिया गया है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी है या फिर 6-3 में यदि ट्रांसफर किया है तब तो उनका आरटीआई में दायित्व बनता है, अदरवाइज कोई टाइम लिमिट नहीं है, दे विल डू एज पर देयर जो भी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का होता है सपोज मामला, तो उसमें 90 दिन, 180 दिन ऐसा भी हो सकता है, तो वो अपने रूल्स के मुताबिक चलेंगे, वो दे विल नॉट गो एज पर योर आरटीआई एक्ट। नहीं, आरटीआई लेकिन मैं एक्ट की फर्स्ट गाइडलाइन उसमें अपील में कब लगा सकता हूँ? फर्स्ट अपील अपील आप सेम अपील आप फर्स्ट डे में देखो, अपील में कागज मिलते हैं, अपील में है कि आप जो कार्रवाई अपेक्षित है, तो ऐसा है नहीं, कि कार्रवाई उन्होंने नहीं किया कार्रवाई कुछ दिनों नहीं, पहले। हाँ उन्होंने सिर्फ कार्रवाई के लिए नहीं बोला है, हाँ उन्होंने तो उन्होंने बोला है जो हायर कि ऑफिस को, हायर ऑफिस को भेज दिया, तो आप कार्रवाई यदि चाहते हैं तो आप वेट करिए उसके लिए। यदि आप लिखेंगे सपोज वो 6 महीने तक कार्रवाई ना करे, तो 6 महीने तक आप आरटीआई लगाओगे तो हर एक में आपको वही लिख देंगे कि इन्फॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट,
दरअसल उसमें आपको कितनी भी आरटीआई लगा के कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो कार्रवाई हो जाती है तो वो उसमें वो बताएंगे आपको, अदरवाइज ये कि आपको लगता है कि पहले से जो भी सूचना आप मांगते हैं ना वो मौजूद होनी चाहिए पहले से उस कार्यालय में। तो आपको लगता है कि उनके पास किसी कागज में लिखी हुई है सूचना, तब तो आप मांग लीजिए, हाँ लेकिन हाँ नहीं है तो ठीक वो है सर, क्रिएट ओके करके नहीं। हाँ तो कार्रवाई यदि चाहते हैं तो वो तो यही सर्टिफाई कर देंगे कि हमने कार्रवाई अभी नहीं की है, तो वो फिर जब भी कार्रवाई नहीं करेंगे जो उनका टाइम है तब हाँ आपको वो हाँ सूचना मिलेंगी। नहीं, उनके पास डॉक्यूमेंट तो हैं, लेकिन उन्होंने क्या उनके ऑफिसर को बचाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट मुझे दिए नहीं है, तो जो हाँ डॉक्यूमेंट तो वो उन्होंने फिर छिपा लिए हैं फर्स्ट अपील कर लीजिए, छुपा लिए तो उसमें धारा लिखी होंगी, धारा लिखी हाँ, होगी तो धारा में नहीं दे वो रहे। सर सर कब करना चाहिए मुझे? मैंने 28 दिसंबर को मैंने अपील की थी। हाँ आपको रिप्लाई मिल गया, आपका उसी दिन से अधिकार हो गया, आप तुरंत करिए जी और जी 30 दिन के अंदर करिए, अदरवाइज बाद में डिले हो जाएगा, फिर नहीं मिलेंगे, ठीक 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 फिर वो आपको मेरे वो इंटर मेरे वो सर डिले के ग्राउंड पे डिसमिस कर इसी सकते में हैं। थोड़ा सा एक मेरा प्रश्न ठीक कंटिन्यू है, क्या बात, हम विभाग से थैंक ये चीज यू, मांग सकते हैं कि आपके द्वारा इस तरह की शिकायत का निराकरण करने का निश्चित समय कितना है, जितना है उसका उद्देश्य? ये सब मतलब जनरली लोगों को पता ही होता है, आरोप पत्र का ऐसा होता है कि डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में 90 दिन होता है ना, और फिर सस्पेंशन पीरियड होता है वो 180 दिन होता है, उतने टाइम तक यदि वो ना दे तो उसका केस कमजोर पड़ जाता है, फिर उसका जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो ये नियम लगभग पूरे इंडिया में समान है, नियमावली आप मांग सकते हैं या उनकी वेबसाइट से सीधा डाउनलोड कर लो, ये सब चीजें पब्लिक होती है और सबको पता ही होती है। सर ये लगभग सभी के लिए 90 और 180 डेज है कि कुछ कम भी हो सकता है? नहीं ये लगभग यही है सभी, क्योंकि सस्पेंशन के जितने भी स्टेट्स के या सेंटर के रूल्स आप देख लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का भी है कि 90 दिन तक आरोप पत्र नहीं दिया तो सस्पेंशन हाँ रिवोक किया जा सकता है, या फिर 180 दिन हो गए तो फिर जो जीवन निर्वाह भत्ता है सबसिस्टेंस अलाउंस तो 50% से बढ़ा के 75% कर दिया जाता है, तो इस तरह के नियम है। सस्पेंशन तो ऐसा है 15 20 साल 25 साल भी सस्पेंशन रख सकते हैं, जब तक मान लो कोई क्रिमिनल केस चल रहा है समझो, है ना, तो हाँ सस्पेंशन जब तक वो क्रिमिनल केस प्लस उसकी अपील रिवीजन वक्त है जब तक वो निस्तारण नहीं हो जाता तब तक सस्पेंशन में रख सकते हैं, तो इसे जी जी सस्पेंशन की कोई लिमिट ही नहीं है समझो। नहीं वो तो लेकिन लेकिन बिल्कुल नब्बे सही या है साठ जी। अस्सी 180 दिन तक आरोप 90 दिन तक आरोप पत्र नहीं दिया, 180 दिन में जांच पूरी नहीं की, तो फिर वो जो उसका जीवन निर्वाह भत्ता है वो बढ़ाया जा सकता है, या फिर सस्पेंशन रिवोक भी किया जा सकता है वो व्यक्ति यदि कोर्ट में चला जाए तो, क्रिमिनल आरोप नहीं है तो। क्रिमिनल आरोप है तब तो फिर वो क्रिमिनल जब तक चल रहा है तब तक हो जाता है, और कई बार फिर वो टर्मिनेट भी कर देते हैं, क्योंकि जी विभागीय इंक्वायरी जो है वो इंडिपेंडेंट चल सकती है रिगार्डलेस ऑफ द से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो इसलिए क्योंकि वो सिविल कार्रवाई है, तो नौकरी से निकालना नहीं निकालना ये अलग फैसला है, जेल भेजना ना भेजना ये दूसरा फैसला है, तो नौकरी से निकालना नहीं निकालना ये एम्प्लॉयर तय करता है, जेल भेजना कि नहीं भेजना पुलिस तय करती है, तो इस तरह से वो अलग अलग अधिकार है दोनों अथॉरिटीज के। जी सर। हाँ वीरेंद्र जी, छोटा सा क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, पूछ लूँ क्या? जैसे क्या है, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं मतलब डिपार्टमेंट में किसी कोई भी रिक्वेस्ट में, हमें ये बेनिफिट चाहिए ये चाहिए, तो वो डिसाइड नहीं की जाती, 1 साल बीत जाते, 2 साल बीत जाते हैं, तो इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते कि भाई आपको कोई एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन देता है तो आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में डिसाइड करनी है या उसको जवाब देना है? नहीं उसमें साधारणता ये होता है कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन नहीं बोलते उसको प्रत्यावेदन बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, तो वो जब आप देते हैं तो 90 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आप उससे वरिष्ठ अधिकारी जो है उसको आप लेटर लिख सकते हैं, या उसी अधिकारी को आप अनुस्मारक जो स्मरण पत्र होता है ना रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर आप भेज सकते हैं, तो या रिमाइंडर भेज सकते हैं या तो फिर आप उसके उससे जो उच्च अधिकारी है उसको भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि 90 दिन टाइम जनरली काफी मान लिया जाता है, और यदि 3 महीने तक उसने कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर आप उससे हायर अथॉरिटी को चैलेंज मतलब ये प्रत्यावेदन दे सकते हैं कि हमने इनको प्रत्यावेदन दिया था लेकिन इन्होंने इस पर कोई रिप्लाई अब तक नहीं दिया या कोई कार्रवाई नहीं की, तो यदि आपको रिप्लाई नहीं आता है तो फिर आप आगे आप स्मरण पत्र भी भेज सकते हैं रिमाइंडर, या फिर आप उनसे उच्च अधिकारी है उनको भी आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं। तो सर ऐसा एक्चुअल में कई बार हुआ कि 2 2 साल तक हो गए, जैसे पहले नीचे डिपार्टमेंट को दिया कॉलेज लेवल पे, प्रिंसिपल लेवल को, तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर 6 महीने बाद रिमाइंडर दे के 4 5, फिर डायरेक्टर को भेज दिया, डायरेक्टर ने भी कुछ जवाब नहीं दिया, फिर पीएचटी को भेज दिया, पीएचटी ने भी कोई तो जवाब नहीं दिया, तो ऐसे फिर दो दो ऐसे में साल फिर से तो ऐसे में आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं कि प्रत्यावेदन हमने दिया और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हाई कोर्ट मैंडमस जारी करता है कि इसको आप टाइम बाउंड तरीके से डिस्पोज करिए, अल्टरनेटिव रिमेडी इसको बोलते हैं, तो कोर्ट ऐसे में ऑर्डर दे देता है कि आप जो है इसको 4 हफ्ते में या 2 महीने में या 3 महीने में इसको सकारण है ना रिजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर इसमें पास करिए, तो कोर्ट इस तरह के ऑर्डर दे देता है हाई कोर्ट।
और बड़े आसानी से केस हो जाते हैं। जनरली हाई कोर्ट ऐसे केस एक ही दिन में डिसाइड कर लेता है और सेम डे ऑर्डर मिल जाता है। तो इसलिए केवल आपका मतलब ये कि प्रत्यावेदन है उसको निस्तारित करने का ऑर्डर है, तो पहली सुनवाई में ही आप केस जीत जाएंगे। ये बड़े सिंपल केस होते हैं हाई कोर्ट में, तो इसमें जनरली काउंटर रिजाइंडर या नोटिस भी नहीं होता है। वो केवल इतना ऑर्डर, क्योंकि उसमें केवल यही होता है कि बस उनको लेके डिसमिस करना है, तो वो कर देते हैं। डिसमिस नहीं करते, बट वो उसको डिस्पोज वर्ड करते हैं कि डिस्पोज विद अल्टरनेटिव रिमेडी। तो उसमें वो बोल देते हैं कि ये जो भी है प्रत्यावेदन इनका इतने दिनों में निस्तारण करिए। तो केवल आपका यदि यही प्रेयर है तो आप सिंपल एक दिन में केस हो जाता है कोर्ट में। नहीं, ऐसे कोर्ट से बहुत तो हो केसेस जाता है मैंने लेकिन देखे। फिर इनकी कोई वीरेंद्र जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिकायत है जो ये सरकारी अधिकारी के खिलाफ, ये क्या शपथ पत्र पे देना जरूरी होता है क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि यदि क्रिमिनल आरोप लगे हैं या फिर कोई कुछ एजेंसी के नियम है, जैसे कि शिकायत लोकायुक्त की है और लोकायुक्त के एक्ट है उनके बने हुए नियम, तो फिर आपको शपथ पत्र पर ही देना जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि वो फिर ये देखते हैं कि वो बेबुनियाद ना हो। कभी कभी लोग एनोनिमस भी देते हैं, तो एनोनिमस में फिर वो किसी को बुला नहीं सकते, एग्जामिन नहीं कर सकते कि कंप्लेंट देने वाला कौन है, तो एनोनिमस को तो वो सीधा इग्नोर कर देते हैं। और जो जहाँ पर वो शपथ पत्र पर देना भी इसलिए भी जरूरी होता है कि जो दे रहा है शिकायत वो भी अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि इसमें कभी कभी उल्टा भी मामला बन जाता है कि झूठी शिकायत दी गई तो फिर जो शिकायत करने वाला है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के प्रावधान होते हैं। तो इसलिए वो शपथ पत्र पर मांगते हैं वो, ताकि कोई झूठी शिकायत ना दे किसी की। आईपीसी में भी ऐसे प्रावधान है, 182 में पुलिस एफआईआर कर सकती है, 211 में कोर्ट एफआईआर कर सकता है। तो यदि उनको लगता है कि झूठी एफआईआर की गई या झूठा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जारी किया गया, तो उसमें जो कंप्लेंट है उसी के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो इस तरह के प्रावधान है हाँ ठाकुर सर, शासनादेश मेरा भी अलग अलग स्टेट्स के, कि आपको शपथ पत्र देना है तो यदि शासनादेश है तब भी वो मांगते हैं कि आपको फिर जो है शिकायत वो शपथ पत्र पे देनी है। तो उसमें यदि आप सही आरोप है, आपको आपको लग रहा है ऐसा दुर्भावना से नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल शपथ पत्र साइन कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ ठाकुर सर, है। कमीशन का एक तो ऑर्डर हमको दिया था पीआईओ को कंप्लाई करने के लिए, तो पीआईओ ठीक से उसको कंप्लाई नहीं किया, तो मैं रजिस्ट्रार को अंडर सेक्शन 415 ऑफ सेंट्रल कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन मैनेजमेंट रेगुलेशन 2007 के तहत एक लेटर दिया है, कंप्लाई करने के लिए उचित कार्रवाई किया जाए आपका तरफ से, कहने के लिए इस सेक्शन में रजिस्ट्रार को पावर दिया गया है कंप्लायंस का ऑर्डर करने के लिए, जो हाँ क्या जी। करेगा नहीं करेगा उनका विषय है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, तो 1 महीना के लिए मैंने मोटा मोटी इंतजार करूंगा, वो मैंने सोच के रखा है, तो 20 दिन हो गया है। तो आपको क्या लगता है इस सेक्शन में कुछ हो सकता है, रजिस्टर एक्शन लेगा? हो सकता है, लेकिन उसमें जनरली वो ये करते हैं, क्योंकि आयोग को अधिकार नहीं होता, तो आयोग जो है वो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको एक लेटर लिख देते हैं कि आप इसमें ये कार्रवाई करिए। फॉर एग्जांपल पेनल्टी पेमेंट, अब पेनल्टी पेमेंट का मान लो ऑर्डर है, उसने डिपॉजिट नहीं किया, तो उसमें जो भी उनका नियम है, जैसे कि उत्तराखंड में नियम है कि 90 दिन तक कोई वसूली नहीं होती, क्योंकि वो हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकता है, तो पहले 90 दिन तक वो कुछ भी नहीं देखते, उसके बाद फिर जब वो लेटर पे कार्रवाई नहीं होती है, तब फिर वो जो जीएडी है उनको लिखते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग है, जो भी नोडल विभाग है उनको, और वो फिर कंसर्न विभाग को लिख के उसका अनुपालन करवाता है। तो इस तरह से जनरली वो गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं, और उसकी प्रतिलिपि एक जो जिसने वो लिखा है लेटर उसको भी कॉपी दी जाती है। तो उस तरह से आपको जब कार्रवाई होगी तो आपको भी कॉपी उसकी मिलनी चाहिए। धन्यवाद। अभी अभी 1 महीना हुआ नहीं है। हाँ ठीक है, उसमें मिल जाएगा, वो लोग कर देते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार को दिया गया तो वो बस देख लेगा कि अनुपालन नहीं हुआ है, वो कंसर्न विभाग को लेटर वो लिख देते हैं कि इसका अनुपालन करवाया जाए। जैसे डिसिप्लिनरी भी होती है, तो डिसिप्लिनरी में फिर आयोग खुद केवल संस्तुति कर सकता है, तो उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिख देता है कि इसमें इन पे जो आपके सेवा नियमावली है उसके अनुसार डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए, और उसके अनुपालन के लिए फिर वो लेटर उनको लिख देता है। कभी ये होता है कि कोई प्रशासनिक अनुतोष है, तो प्रशासनिक अनुतोष का कोई भी अधिकार सूचना आयोग को नहीं है 1960 में, लेकिन आयोग उसमें लिख देता है, तो वो रिकमेंडेटरी पावर्स केवल होते हैं, और वो किसी विभाग के सेक्रेटरी को अगर लेटर लिख सकते हैं कि आपके विभाग में ये भ्रष्टाचार का प्रकरण पाया गया है, तो इस पर आप उचित कार्रवाई करें, वो ऑर्डर बाइंडिंग नहीं होता है, तो विभाग मान सकता है या नहीं भी मान सकता अच्छा, है। उसने आगे कोई एक्शन नहीं ले सकता है रजिस्टर?
हाँ, क्योंकि प्रशासनिक अनुदोष का तो अधिकार ही नहीं है वैसे आयोग को, तो वो केवल एक ही अप्लीकेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए वो लिख देते हैं कि अमुक अमुक भ्रष्टाचार का प्रकरण, क्योंकि भ्रष्टाचार के प्रकरण में कार्रवाई करने का आयोग को कोई अधिकार नहीं, आयोग केवल भ्रष्टाचार की सूचना दे सकता है, तो इसलिए वो सूचना दिला देता है और वहां पे उनका केस खत्म हो जाता है, तो ठीक इसलिए हाँ, बाकी उनको कोई उसमें स्पेशल अधिकार नहीं होते, वो केवल आरटीआई से संबंधित मामले ही वो देखता है। तो जहाँ मतलब जहाँ जहाँ पे उनको जो अधिकार दिए गए उसके मुताबिक ही वो स्ट्रिक्टली कार्रवाई करता है, बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है आरटीआई एक्ट का या फिर जो कंसर्न सचिव है जिसको एग्जीक्यूटिव पावर है, तो उनको वो लेटर लिख देते हैं ताकि वो उसमें कार्रवाई कर सके, क्योंकि आरटीआई एक्ट में बस यही है जो 1960 में वो कर सकते हैं। इससे आगे कोई पावर नहीं है। हाँ, उसे आगे कोई पावर नहीं है, 1960 में है या फिर जो 18-3 18-4 में है वही पावर है उनके। इवन जो जनरल प्रोसेस एक्ट का जो फाइन है वसूली करने का, ये भी पावर उसमें लागू नहीं होते, क्योंकि इसमें फाइन के बदले पेनल्टी शब्द यूज किया गया है, तो इसलिए जो जनरल प्रोसेस एक्ट में है ना कि जो इट शैल बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड लैंड रेवेन्यू, तो वो केवल फाइन के मामले में ही लागू होता है, इसमें फाइन नहीं होता आरटीआई में कभी, आरटीआई में पेनल्टी होता है, तो वो फाइन टेक्निकली अलग है, पेनल्टी अलग है। अच्छा सर, और एक तो बात है, हाई कोर्ट जो कॉस्ट लगाता है ना बीच में, कोई कोई केस में पिटिशनर के ऊपर कॉस्ट लगा देता है, एक इसका कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन है कि कौन कौन केस में कॉस्ट लगा सकता है हाई कोर्ट, कौन जगह पे कॉस्ट नहीं लगा सकता है, ये सब कुछ है? नहीं, इसमें ये होता है कि इसका कोई रेगुलेशन तो नहीं, लेकिन जनरली ये होता है कि उनको लगता है कि कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए कोई आ गया और बेकार में ही किसी कोर्ट केस में फंसा दिया गया, और कोर्ट देखता है कि ये केस करने का कोई बेसिस ही नहीं था, अच्छा, तो फिर कोर्ट जो है वाद खर्च जिसको बोलते हैं कॉस्ट, कि अपोजिट पार्टी के वकील का जो केस है या जो स्टेशनरी की जो कॉस्ट है, तो ये केस हाँ करने वाला है वही देगा, तो इस तरह से वो अच्छा कॉस्ट इम्पोज कर सकता है, तो कोर्ट इस तरह से, अच्छा जो उनको वाइड पावर होते हैं संवैधानिक कोर्ट होने के नाते, तो इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है कई बार ऐसा पीआईएल का दुरुपयोग या इस तरह के जो भी मामले होते हैं, या विद इन टाइम लिमिट यदि कोई रिप्लाई वगैरह नहीं दिया गया तब भी वो कॉस्ट इम्पोज कर देता है, जैसे कि काउंटर एफिडेविट के लिए टाइम दिया लेकिन किसी ने फाइल ही नहीं किया टाइम के दौरान, तो कोर्ट फिर कॉस्ट कर देता है कि भाई अब आपका काउंटर लेना है तो फिर आप 10,000 रुपये जमा करो कॉस्ट, तो फिर वो काउंटर आपका हम लेंगे, तो इस तरह से भी कोर्ट कभी कभी कार्रवाई के दौरान भी कॉस्ट इम्पोज कर सकता है। कभी कभी ये होता है कि कोई एडजर्नमेंट मांगता है, तो एडजर्नमेंट मांगता है तो उसमें भी सीपीसी में प्रावधान है कि 100 रुपये कॉस्ट इम्पोज करनी पड़ती है, फिर वो पुलिस वाले के या जो भी व्यक्ति है उसके सैलरी से कटती है, मतलब वो ऐसा नहीं कि विभाग देगा, तो एडजर्नमेंट मांगता है तो कोर्ट फिर उसमें कॉस्ट इम्पोज करता है कि ठीक है केस कार्रवाई यार स्थगित कर देते हैं लेकिन आप कॉस्ट जमा करो, तो कोर्ट ऐसे एडजर्नमेंट के लिए भी कॉस्ट इम्पोज करता है दूसरी पार्टी पे, कि आपने इसमें एडजर्नमेंट मांगा, स्थगन मांगा और दूसरा व्यक्ति तो आ गया था, तो फिर वो कॉस्ट इम्पोज कर सकता है, तो ये सब कॉस्ट के अलग अलग नियम, कई कई प्रावधान है भी इसके कि वो सिविल कॉस्ट प्रक्रिया चार्ज कर संहिता सकता में है दिया सीपीसी। हुआ हाँ, है। अच्छा सीपीसी में, सीपीसी में ऐसे प्रावधान है। अच्छा अच्छा उसमें लिंकन सर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैक्सिमम में रिप्रेजेंट मैक्सिमम कितना जज साहब हो सकते हैं सीपीसी? मैक्सिमम में ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, वो तो है कि केस का दुरुपयोग देख के और वकील कितने बहस कर रहा है, क्योंकि कोर्ट कई बार ये भी करता है ना कि वो बोलता है कि आप विड्रॉ कर लीजिए अदरवाइज हम डिसमिस कर लेंगे, अब उसके बाद भी कोई विड्रॉ भी नहीं करता है, मानता भी नहीं है और बहस कर रहा है और टाइम वेस्ट करते ही जा रहा है, तो कोर्ट फिर उसमें जो है वो कॉस्ट इम्पोज कर देता है, बढ़ा भी देता नहीं, हम कॉस्ट का बारे में नहीं बोल रहा, हम बोल रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में बीच बीच में बैठता है ना, केस का ऊपर निर्भर है। करता है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जज साहब का लिमिट कितना हो सकता है? 9 तक तो हम सुना है, उसका जो ऊपर भी हो सकता है, उससे हाँ, ज्यादा? 11 और 13 के, 11 और 13 के भी बेंच बैठी है, कई बार 13 जज तक के भी केस हुए इंडिया में, तेरा ही लास्ट है? 13 तक, मतलब अभी तक का जो हमारा हिस्ट्री है 13 तक अच्छा का मैक्सिमम है, वैसे तो 34 स्ट्रेंथ है अभी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ये भी संख्या बढ़ते बढ़ते गई धीरे 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 धीरे, इनिशियली कम थी ये, तो संविधान में संशोधन करके बार बार ये बढ़ाया जाने लग गया, तो अब 34 स्ट्रेंथ अच्छा है, लेकिन 13 से ज्यादा की बेंच अभी तक तो नहीं बनी है फिलहाल, अच्छा क्योंकि ऐसा केस ही नहीं आता है, जो भी केस आता है तो जनरली 5 बेंच वाले देख लेते हैं और फिर बार बार ओवर रूल करने की जरूरत कम पड़ती है, तो जब ऐसा जरूरत पड़ती है तब फिर वो 7, 9, 11, 13 तक के केसेस गए हैं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट अपने ही केस को ओवर रूल इसलिए भी नहीं करता
कि जिन्होंने पहले ऑर्डर पास किया वो उनसे सीनियर जज होते हैं, मतलब एज वाइज वगैरह, तो इसलिए पहले जिन लोगों ने सॉल्व कर दिया तो उसका जो उनसे छोटे मतलब जो नए जज है वो उनसे एज में छोटे ही होते हैं, तो जो वरिष्ठ जजों ने पहले जो साइन किया उसको वो मानते हैं, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल डिसिप्लिन या प्रोप्राइटी। तो वो मतलब वो जुडिशियली प्रॉपर होना चाहिए, तो वो लीगल प्रिसिडेंस भी बोलते हैं उसको, पूर्व न्याय का सिद्धांत। तो वो जो पहले से जिन लोगों ने कर दिया तो उसी को वो बाकी जजेस है वो भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जनरली उनसे एज में वगैरह सीनियर ही होते हैं, और बड़ी बेंच वगैरह है तो बड़ी बेंच का छोटी बेंच को मानना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल प्रोप्राइटी। तो सुप्रीम कोर्ट का है वो हाई कोर्ट को मानना चाहिए, हाई कोर्ट का है तो वो, लेकिन वो केवल अपने ही हाई कोर्ट का मानने के लिए बाध्य है। जैसे आपने सीआईसी का बताया ना कि हाई कोर्ट का नहीं माना उन्होंने, तो क्या वो दिल्ली हाई कोर्ट का केस था? तो दिल्ली हाई कोर्ट का नहीं है तो, हाँ दिल्ली हाई कोर्ट का है तो फिर उनको मानना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट का नहीं है तो सीआईसी बाध्य नहीं है मानने के लिए। सीआईसी को कमिश्नर को पता ही नहीं है वो जजमेंट के बारे में दिल्ली, हमको नहीं, हमने मेंशन कर दिया। वो जरूरी नहीं है, वो काम आपका है। देखो ऐसा ना, हजारों लाखों केस होते हैं, वो वकीलों का काम है, प्लीडर्स का काम है, तो वो ऐसा है कि वो सब केस का वो लेके नहीं बैठते अपने पास, वो मंगवा सकते हैं लाइब्रेरी से, और वो भी जरूरत पड़े तो उसमें है कि आपको प्लीड करना है कि कौन सा आपके फेवर में है, और वो यदि उनको लगता है कि वो उस हाई कोर्ट का है तब तो वो मानने के लिए बाध्य है, और यदि वो उनको दूसरे हाई कोर्ट का है तो विधिक रूप से वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन। मेंशन किया, मैंने केस नंबर मेंशन किया था, ऑर्डर का जिस पैराग्राफ से कनेक्टेड है उसको भी मेंशन किया था डिटेल में, लेकिन सुना नहीं, कौन वो से अलग हाई बात कोर्ट का? है। दिल्ली ठीक हाई है कोर्ट का था वो। आशीष नारायण जी, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उनको हाँ भी हाँ हाँ ले हाँ लिए। सर, अब अगला ठीक। अगला प्रश्न आप बोलिए प्लीज, किनका नंबर है? वीरेंद्र वर्मा ने तो प्रश्न साथ पूछ लिया है। अब सैमसंग एसएम ये किसका है, इनका नाम नहीं दिख रहा है। विशाल कुमार मालाकर जी हैं और तरुण जी हैं, तो आप में से जो भी उपलब्ध हैं अपनी बात पूछ सकते हैं। तरुण जी आप ही पूछ लीजिए, आपका क्या प्रश्न है? आपने कंप्लेंट भी की हुई है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, पूछिए। नहीं सर, वो ठीक है। मैं कहना चाह रहा था सर, ये जो वीरेंद्र जी ने अभी एफिडेविट के लिए बताया था, तो वीरेंद्र जी यूपी में है, जो शासन आदेश है कि एफिडेविट पे देना है, लेकिन एक हाई कोर्ट का रूलिंग आया है लास्ट ईयर अगस्त में, उसमें कहता है कि हाई कोर्ट ने बोला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि एफिडेविट है, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स डायरेक्टिव। तो क्या उसमें मतलब वो फिर भी देना जरूरी रहेगा सर, वो एफिडेविट शिकायत नहीं, के वो साथ? हाई कोर्ट ने क्या प्रशासनिक शिकायतों के बारे में कहा है, मतलब किस मामले में? नहीं देखो नहीं सर, वो एफिडेविट बहुत सर्कुलर सारे जो पर्पज होते शासन हैं। आदेश, पर्टिकुलर शासन आदेश 1995 का है, कि नहीं अगर तो आप क्या मतलब शासन आदेश को क्या क्वैश कर दिया है हाई कोर्ट ने? ठीक क्वेश्चन नहीं किया सर, उसने लिखा है है। कि मतलब उसने, किसी ने चैलेंज किया था सरकारी अधिकारी ने, कि बिना मतलब उसके एफिडेविट के मेरी शिकायत हुई थी ये, तो उसने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला है कि ऐसा नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, दीज आर डायरेक्टिव, मतलब शासन आदेश कि हाँ, ये तो एफिडेविट मतलब देना हाँ, है। जनरली यही होता है कि झूठी शिकायतें लोग ना करें, इसलिए उसको डिस्करेज करने के लिए ये चीजें होती है। और इट इज जस्ट एन ऑफिस, वो इट इज जस्ट ए जीओ, तो वो कोई एक्ट या रूल नहीं है ना, तो वो कोई सर, नोटिफिकेशन भी नहीं है, तो सर तो उसमें उसमें मतलब वही मैं पूछना चाह रहा था कि अब इसमें मतलब उसमें जो होगा सु, तो यही सु, होगा, यही कि वो आपका जो शिकायत है उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसलिए वो, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि सामने वाला जो है वो जो कर रहा है शिकायत, वो वाकई शिकायत में कुछ दम है, या वो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर नहीं, रहा है, बट तो फिर अलाहाबाद इसमें हाई वो नहीं कोर्ट ने, पड़ता। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने जैसे किया है सर, और अगर कोई कंटिन्यू परस्यू कर रहा है अपनी शिकायत, अलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मेंशन करके एफिडेविट ना देना चाहे तो? तो फिर आप उसमें देखो, तो फिर आप चैलेंज कर सकते हो उसको कि क्वैश कर दिया जाए, है ना, क्योंकि उसका एक पर्पज है, उन्होंने जो सर्कुलर निकाला है हाँ जी, हाँ या जी, इस तरह का, वो इसलिए कि झूठी शिकायतें लोग ना करें। दूसरी बात देखिए, इवन आप एफिडेविट पे देते हैं उसके बाद भी वो आपकी शिकायत, तो ऐसा हाल है सर, मैंने शिकायत करी थी सूचना आयोग में, तो उन्होंने, मैंने बोला कि मेरे को सूचना अधिकारी ने झूठी शिकायत दी है, तो हमारे राजीव जी जैसे जो अभी रिटायर हुए हैं यूपी आयोग से, उन्होंने बोला कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप अब मेरे को एफिडेविट पे दो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने प्रश्न पूछा भी था आपसे पहले हाँ, एक तो बार। अठारह चार हाँ में अठारह चार हाँ में जी, हाँ अठारह हाँ तीन जी, में तो अठारह तीन में पावर है उनको, और हाँ दूसरी जी, बात हाँ ये जी, 23 भी है, तो तो उसमें सर उसमें देखिए, अपील के उसमें अलावा आपके पास कोई रिमेडी नहीं। उसमें हुआ क्या सर, मैंने एफिडेविट दे दिया, एफिडेविट भेज दिया, उसके बाद आयोग ने मेरी शिकायत, वो मेरा जो है प्रकरण बंद कर दिया, और बोला कि जी आपने एफिडेविट नहीं दिया। तो मैंने फिर उनको दिखाया, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड थे, तो मैंने जन सूचना जो शिकायत का है उसमें कंप्लेंट करी, जब उसके खिलाफ कार्रवाई मांगी कि जो हाँ, जिनको रिसीव हुआ है, तो उसके दोबारा उन्होंने पुनर्स्थापित किया अभी
लेकिन अब बेंच खाली है, बट मैंने एफिडेविट दिया, तो एफिडेविट देने का भी कुछ नहीं करते हैं सर। जब सूचना आयोग जैसी संस्था में वो एफिडेविट ही गायब कर देते हैं, अगर आप आपके पास सबूत ना हो तो एफिडेविट भी गायब कर देते हैं सर ये तो। नहीं देखो, गायब कर दिया कि नहीं ये तो आप जब अपने पत्रावली की कॉपी आप आरटीआई पे ले सकते हो पूरी, तो उससे पता चलता है कि उनके फाइल में वो एफिडेविट है या नहीं है। नहीं बाद में मिला सर, जब मैंने कार्रवाई के लिए जब मैंने उनके जो किया ना, तब जब मैंने उनकी कार्रवाई मांगी कि जिस क्लर्क ने गायब किया पूरा रिकॉर्ड था उसका ट्रेस मेरे पास, तो उसके बाद उन्होंने फिर स्थापित कर दिया, क्लर्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, बोल दिया हाँ हमें मिल गया एफिडेविट। हाँ तो उसमें आप ये देखिए कि आपने जो एफिडेविट दिया उसमें केस नंबर दिया था कि नहीं दिया था, अदरवाइज क्या होता है कि कई सैकड़ों डाक आते रहती है और इधर से उधर ऑफिस में जाते रहती है, तो उसमें अनलेस यू राइट यूर नंबर क्लियरली, अपील नंबर और कंप्लेंट नंबर सर पूरा पूरा क्लियर था सर, पूरा क्लियर था मेरा, तभी तो मिला सर उन्हें वो। हाँ, लेकिन एफिडेविट वो 18(3) में उनका अधिकार है, एफिडेविट पर भी आप देते हो उसके बाद भी, वो निर्णय क्या है, वो निर्णय तो इंडिपेंडेंट ऑफ एफिडेविट होता है। एफिडेविट तो केवल ये है कि उनका अधिकार है कि जो भी सामने वाला बोल रहा है वो सही है कि नहीं, उसके लिए वो एफिडेविट लेते हैं। एफिडेविट ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपके फेवर में निर्णय दे देंगे, ऐसा कमिटमेंट नहीं होता कोई। ठीक है सर, थैंक यू। एफिडेविट केवल एक प्रक्रिया है, जैसे कि 100 रुपए आप भरते स्टैम्प फीस, वो प्रक्रिया है हाईकोर्ट में, इसका मतलब ये थोड़ी कि 100 रुपए दे दिया तो न्याय को खरीद लोगे आप, ऐसा नहीं होता है। वो प्रक्रिया उनकी फीस है, जुडिशियल फीस, तो आपको रिट पिटीशन के साथ जैसे 100 रुपए की स्टैम्प फी लगानी है सपोज पर पिटीशनर, तो वो लगाते हैं, तो वो नियम है वो। सचिन राणा जी इसका मतलब ये नहीं कि केस आपके फेवर में हो जाएगा कि पैसे दिए आपने इसलिए। सचिन राणा जी सर मेरा एक केस था, एक्चुअली मैंने एक आरटीआई रिक्वेस्ट मांगी थी कि ये कार्य में जो किया गया विभाग द्वारा वो नियमानुसार नहीं है, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं ये नियमानुसार, कोई उसका संदर्भ तो नहीं दिया, किसी भी उसका मतलब कोई रेफरेंस नहीं दिया कि किस धारा के अगेंस्ट ये रेफरेंस है, क्योंकि तो जो केस था उसमें अप्रूवल चाहिए होता है, जो ओनर होता है उसका अप्रूवल चाहिए था, मेरे से कोई अप्रूवल नहीं लिया, तो मैंने उनको लीगल नोटिस दिया विभाग को, और फिर मैंने उनके अगेंस्ट एक रिट पिटीशन डाल करी, तो रिट पिटीशन वो डिस्पोज हो गई विद इंस्ट्रक्शंस कि दैट यू शुड सेंड द एप्लीकेशन टू द हायर अथॉरिटी विद डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड एक्शन शुड बी टेकन। लेकिन वो जब उनको दिया उसमें भी वो ही जवाब दे रहे हैं बीबी की जो आगे में था कि ये नियमानुसार सही है और इसका कुछ नहीं, तो आगे क्या करा जाए इसमें, क्योंकि दूसरी रिट के लिए मैंने होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है वो आप देखिए, क्योंकि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, यदि आप बोलते हैं कि नियमानुसार नहीं है तो नॉर्मली फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो आपका होता है। देखना प्रूफ ऐसे मामले में किसका, वो बताने के लिए बाध्य नहीं है कि वो कैसे नियमानुसार है, भार आपके ऊपर है कि आप साबित करिए कि नियमानुसार कैसे नहीं है, तो इसमें बर्डन के ऊपर है वो। नहीं मैंने सर उनकी जो ये संदर्भ दिया था उसका देखो आप एक नियम लिखो कि अमुक एक्ट के अमुक धारा का अमुक नियम है इसका उल्लंघन हुआ है स्पष्ट रूप से। हाँ ये दे चुका हूँ, ये दे चुका हूँ, तो वो हाँ वो यदि आपने दिया है तो फिर उसमें वो उल्लंघन का यदि उन्होंने ऑर्डर दिया तो उस ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है तो इसमें कंटेम्प्ट के कंटेम्प्ट में जा सकता हूं, इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नहीं देखो हाई कोर्ट ने ये बोला ना, हाई कोर्ट ने अल्टरनेटिव रिमेडी पे था, अल्टरनेटिव रिमेडी में क्या होता है कि कोर्ट बोलता है यू डिसाइड इट विद इन 90 डेज, अब उन्होंने निर्णय ले लिया और उन्होंने डिस्पोज किया, अब वो ऑर्डर इलीगल है तो उस ऑर्डर को आप चैलेंज करोगे, भाई उनको 90 दिन दिया था, 90 दिन में निर्णय दे दिया, अब निर्णय आपके फेवर में भी हो सकता है अगेंस्ट में भी हो सकता है, तो वो आदेश को आप चैलेंज कर सकते हैं, आपका रिट का अधिकार बनता है, कंटेम्प्ट का अधिकार नहीं बनता है, कि कोर्ट के ऑर्डर का तो अनुपालन कर लिया ना, कोर्ट ने ये नहीं बोला कि इनका केस फेवर में डिसाइड करो, कोर्ट ने बोला इसको डिसाइड करो, तो डिसाइड करने में वो फेवर में भी कर सकते हैं अगेंस्ट में भी कर सकते हैं, है ना, उसमें होता है डिसाइड इन रिप्रेजेंटेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, अब वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है कि नहीं इस पर डिस्प्यूट है, तो फिर आप उस आदेश को चुनौती दे सकते हैं सर्शियोरिटी की रिट दाखिल करके, तो कोर्ट कोर्ट फिर उस ऑर्डर को क्वेश कर सकता है यदि उनको लगता है ये विधि अनुसार नहीं है तो। जितना सर मेरे को जानकारी उसमें यह है कि उसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं देती है कोर्ट, उसमें कुछ ना कुछ लीव देती है मतलब डिपार्टमेंट को। हाँ वही वही कोर्ट में वही बता रहा हूँ कि दैट इज डिस्पोजल ऑन द ग्राउंड ऑफ अल्टरनेटिव रिमेडी, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाते हैं जी, तो कोर्ट जाने के पहले देयर मस्ट बी डिमांड एंड रिफ्यूजल, पहली बात है कि विभाग से आपने मांगना चाहिए, दूसरा उसमें इनकार जरूरी है कि उन्होंने इनकार किया, अदरवाइज
सीधा वो विभाग वाला जाके बोल देता है कि इसमें हाईकोर्ट आने की क्या जरूरती है, तो इसने हमको लिखा होता तो हम ही कर देते, तो कोर्ट फिर अल्टरनेटिव रेमेडी के ग्राउंड पे पहले ही उसको डिसमिस कर देता है केस को। तो देयर मस्ट बी डिमांड, देयर मस्ट बी रिफ्यूजल, और उसके बाद ही आपका हाईकोर्ट जाने का अधिकार बनता है। तो ऐसा हाँ नहीं सर, कि रिफ्यूज विभाग उठ के हाईकोर्ट चले गए किसी मामले में, नहीं, रिफ्यूज अदरवाइज तो उन्होंने लीगल अल्टरनेटिव नोटिस, अल्टरनेटिव रेमेडी में, क्योंकि कोर्ट ये करता है, कोर्ट ये करता है कि पहले जो भी विभाग का सचिव है उसको या उसको ऑर्डर पास करने का मौका देता है कि भाई आप इसको 3 महीने में डिसाइड करो, और वो डिसाइड ना करे तब हाई कोर्ट केस को एंटरटेन करता है। तो इसलिए उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, अब उसे यदि आप व्यथित है तो फिर आप उस ऑर्डर की कॉपी लगाते हुए चैलेंज करिए कि ये जो ऑर्डर है इसको क्वैश करिए, तब फिर कोर्ट उसके केस के मेरिट में जाएगा। अदरवाइज कोई टेक्निकल ग्राउंड में कोर्ट जनरली अपना जो काम है वो दूसरों को दे देता है कि पहले आप डिसाइड करिए, क्योंकि कोर्ट दूसरों के भी नॉलेज का बेनिफिट लेना चाहता है, तो हर एक केस डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जाता है। जैसे वो यूनिवर्सिटी का मामला है तो पहले बोलता है कि वीसी टू डिसाइड, विभाग का मामला है तो किसी सचिव को बोल देता है कि ये डिसाइड, डिस्ट्रिक्ट का मामला है तो डीएम को बोल देता है कि आप डिसाइड कर दो। तो कोर्ट जो है वो जनरली हाई कोर्ट डायरेक्ट अपने पास केसेस लेता नहीं है, और अल्टरनेटिव रेमेडी जो होता है ये बहुत बड़ा कारण है, बल्कि ज्यादातर केसेस पहले दिन ही डिसमिस हो जाते हैं, कि डिसमिस होते हैं या तो नोटिस जारी होता है, तो डिसमिस नहीं हुआ है तो नोटिस जारी होता है। तो इसलिए सबसे पहले दिन ही ज्यादा मैक्सिमम बहस होती है, और इसीलिए एडवोकेट्स अपनी फीस एडवांस में ले लेते हैं, क्योंकि पहले दिन डिसमिस होने का मैक्सिमम चांस होता है। तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि अल्टरनेटिव रिमेडी के ग्राउंड पे किया है और फिर ऑर्डर आ गया है, अब आप रिट में जा सकते हैं, इसमें कंटेम्प्ट नहीं बनता है, क्योंकि कोर्ट ने केवल केस डिसाइड करने का बोला था, आपके फेवर में डिसाइड करने का नहीं बोला था। ठीक है, थैंक यू सर। विशाल कुमार मालाकर जी, आपका क्या प्रश्न है? विशाल कुमार मालाकर, और भी दूसरे लोग जो भी हैं, अभी आधे घंटे का टाइम है, तो अपनी बात रख सकते हैं, अपना हैंड रेज करके। चलिए, विशाल कुमार मालाकर जी के पास। हेलो, आप हाँ बंदे उनका मत। हैंड रेस तो है। हाँ जी, आवाज आ रही है जी, हाँ जी, कहिए। बंदे मातरम, बताइए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कहिए। हेलो, आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, वंदे मातरम सर। हाँ वंदे मातरम जी, सर, हम टाटा कंपनी से आरटीआई लगा सकते हैं सर? टाटा कौन कंपनी हाँ, बिल्कुल लगा टाटा सकते स्टील हैं। डिवीजन का टाटा है, प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, उसमें वो हाँ आरटीआई के प्राइवेट दायरे में नहीं कंपनी है। आते, वो आरटीआई के दायरे में नहीं आते। कुछ लोग बता रहे थे टाटा नहीं, कंपनी से सब्सटेंशियली संबंधित, फाइनेंस बाय टाटा गवर्नमेंट सब्सटेंशियल। टाटा वीरेंद्र जी, इनको ये बोलिए कि टाटा कंपनी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, और वो उसको मॉनिटर करने वाले उद्योग विभाग से ले सकते हैं ना, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हाँ, से। रजिस्ट्रार, हाँ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से या इंडस्ट्री विभाग से आप ले सकते हैं। तो जो जी, वही कंपनी है करें वो टाटा जी से। रजिस्ट्रार ऑफ हाँ कंपनीज के पास जो है वो आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उसमें वो लोग भी उनसे पूछते हैं फिर 81J में, तो इसलिए क्योंकि वो भी पब्लिक अथॉरिटी होती है, तो इसलिए वो विभाग वाले भी 81J में मना कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वगैरह है उनसे आप मांग सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक है उनके पास जो उस कंपनी से संबंधित है, तो वो जानकारी आप ले सकते हैं, या कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी इन जनरल। तो जो जो रेगुलेटरी है, चूंकि कंपनी है तो उनका रेगुलेटरी, क्या जनता और सरकार के हित में, जैसे कोई काम हो जो हो रहा है कंपनी द्वारा, उसका घटिया काम हो रहा है, उसका भी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, वो आप उसमें सूचना ले सकते हैं, लेकिन है कि आरटीआई के जी दायरे में पब्लिक अथॉरिटी है नहीं है तो फिर आप नहीं ले सकते हैं। उसमें फिर जो विभाग है जिन्होंने काम दिया हुआ है वो आरटीआई के दायरे में आता है, वहां पे आरटीआई लगा सकते हैं कि आपने टाटा कंपनी को या किसी को भी ठेका दिया है, वो आरटीआई के दायरे में आता है, तो सर मांग सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का सर। जी दिनेश लिखिए। दिनेश दिनेश राजपूत खंडवा से हैं। दिनेश राजपूत जी, आपका क्या प्रश्न था? जी सर, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। जी, जैसे ये मुख्यमंत्री हाट बाजार बने हैं और दुकानें बनी हैं उसमें, और लोगों ने सर उस पर कब्जा करके विद्युत विभाग, मतलब बिजली विभाग ने उनको कनेक्शन भी जारी कर दिया, उनको मीटर लगा दिया है, तो सर इसमें क्या हो सकता है? तो कनेक्शन के लिए अप्लाई किए होंगे तो कनेक्शन मिल गए, इसमें अवैध क्या है? तो सर बाजार अभी नीलामी नहीं हुई, दुकान अभी नीलामी नहीं हुई है, लोगों ने जबरन जना कब्जा कर लिया है,
अच्छा, ओके। अच्छा, मतलब वो कब्जा जो है वो अवैध है। जी अवैध कब्जा कर लिया और उन्होंने विद्युत विभाग उनको उस पर करेक्शन भी दे दिया है। अच्छा, तो उसमें आप विद्युत विभाग में पहले आरटीआई लगा सकते हैं, है ना? और जी फिर यदि कनेक्शन अवैध है तो उसमें वो लोग कार्रवाई करेंगे उस कनेक्शन को काटने की, और यदि कब्जा अवैध है तो उसमें फिर आप जो भी ये तहसीलदार या जो रेवेन्यू अथॉरिटीज है, कलेक्टर वगैरह, है ना, उनको आप कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वो फिर उसमें जी कार्रवाई कर सकते हैं। ओके सर ठीक है। विजय पाटीदार जी आपका क्या प्रश्न है? मैं हर बार TML पर लाइन कर रहा तो LTD अधिकारी हेलो जी आपकी आपकी आवाज आवाज है? बंद हाँ हो हाँ जी गई। हाँ जी बताइए। सर मैं TML पर लाइन करता हूँ तो LTD अधिकारी अपने मन से ही बंद कर देता है बिना मेरे संतुष्ट हुए। PML क्या बोल रहे हैं आप? सर सीएम सीएम हेल्पलाइन बोल रहे सर, ये सीएम हेल्पलाइन। हेल्पलाइन। अच्छा, सीएम हेल्पलाइन। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है ना, सीएम हेल्पलाइन वगैरह जो होता होता है उसमें नॉर्मली अलग अलग लेवल होती है ना। लेवल 1 2 3 इस तरह के ऑफिसर होते हैं, लेवल 4 पे फिर चीफ सेक्रेटरी होता है। तो सीएम हेल्पलाइन पे जब भी आप शिकायत देते हैं ना, तो वो 1 महीने बाद वो अगले लेवल को ट्रांसफर हो जाती है, वो यदि निस्तारित नहीं करता है तो। सर दूसरी मेरी बात ये कि एलटीडी, उसका मेरी एलटीडी पे 3 महीने तक रहती है, वो एलटीडी अधिकारी आधे नहीं बढ़ाता था। हाँ, तो उसमें वो अपने आप वो अगले लेवल पे वो चले जाती है, और फिर वो जब जब कोई भी अधिकारी उस पे कमेंट करता है तो वो फोन करके शिकायतकर्ता को पूछते हैं कि आप इस शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट है या नहीं है। तो उस सर टाइम मेरे आपको पास बताना है कि आपको कोई सर फोन मेरे नहीं पास आया 3 महीने पहले। नंबर अच्छा, नहीं आया तो फिर उसमें आप जो ऑनलाइन जो है उसमें आप अपने कंप्लेंट का स्टेटस देख सकते हैं, उस पे सभी अधिकारियों की कमेंट पोस्टेड होंगी कि किस अधिकारी ने क्या क्या लिखा है। तो आपका जो शिकायत नहीं संख्या आपको मिली होगी, वो शिकायत संख्या से आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत का स्टेटस क्या है, उसे आपको पता चलना है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है। जो कार्रवाई जो उन्होंने जवाब दिया है ना वो पूरा झूठ जवाब दिया है, वो तथ्य नहीं है। जो उन्होंने लिखा है वो गलत ही लिखा हुआ है, जबकि वो तारे हुआ नहीं उससे पहले ही उन्होंने लिख दिया। हाँ, तो उसमें नहीं तो कार्य हुआ नहीं है उस पे लिखा है तो। हाँ, तो उसमें लिखा होगा ना कि कार्रवाई चल रही है, कार्य हुआ नहीं नहीं है, सर जैसा लिखा हो जैसा है वैसा ही तो लिखेंगे वो। अरे सर उन्होंने ऐसा लिख दिया कि हमने ये तारे तनने रहे थे, जब तारे तनने रहे थे और उन्होंने तनने नहीं दिया इसलिए इनकी शिकायत बंद कर दी थी, तो बंद कर दी। नहीं, कौन हेलो सा सर कार्य कर रहे थे और किसने नहीं करने दिया, किस कार्य के NVDA बारे में? विभाग है, नर्मदा जाति अच्छा, विकास प्राधिकरण, MDD है, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं आप? NVDA नर्मदा जाति अच्छा, ओके। हाँ, सर। उनमें मेरी मैं RTI भी लगाता हूँ ना, मुझे मैंने 10 बार RTI अलग अलग विषय पे लगा लिए, मुझे एक बार भी सही जानकारी भी नहीं दी तो RTI में तो फर्स्ट अपील कर सकते हैं आप। आपने कोई अपील सर। की? 3 DT अपील लगी हुई है मेरी। अच्छा, हाँ, तो लगी है तो उसमें सुनवाई का निर्णय आने दीजिए, आयोग क्या निर्णय देता है उसके बाद ठीक है बताइए। विजय नहीं पाटीदार सर जी मेरा आप, ये जवाब है। हेलो विजय पाटीदार जी आप उसका इंतजार करिए और है ना तब तक सर देखिए। मेरा ये मतलब है कि भाई जो TML हेल्पलाइन LTD अधिकारी वो अपने हिसाब से बंद कर देता है, तो उतने अपन RTI लगाए तो क्या शब्द लिखे थे भाई आपने हमारी शिकायत बंद क्यों करी, ऐसा क्या लिखे तो वो नहीं, उसमें ऐसा होता है जो भी LTD स्टेटस अधिकारी होता है ना सीएम हेल्पलाइन में, वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कई बार मामले कोर्ट में होते हैं, अब वो सब जुड़ी मामले में भी लोग इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो वो हाईकोर्ट के ऊपर तो नहीं है ना मुख्यमंत्री, तो वो बंद कर नहीं देते नहीं हैं शिफ्ट हाईकोर्ट में नहीं होते हैं। होता तो मेरा मामला तो नहीं, यहीं पे। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कई कारण होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग लेवल पे जो अधिकारी होते हैं तो उनको फोर्स क्लोजर का भी अधिकार होता है, और यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई मामला है और उसमें जवाब दे दिया गया है तो उसमें वो कार्रवाई हो गई है, तो फिर वो उसको फोर्स क्लोज करके उस शिकायत को बंद भी कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास एक ही सर उपाय है कि कार्रवाई करानी है तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं, यदि कोई विधिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो फिर आप हाई कोर्ट में मैंडेमस ला सकते हैं। मेरा जो तालाब से पानी आ रहा था ना सर, उनमें एक तीतान तो 5 साल का पटल में उठा दिया और मुझे देने के लिए वो बोल रहे थे नियम नहीं है, वही समस्या है। तीतान तो 5 तीनों ने 3.5 लाख रुपए मुआवजा दे दिया और मुझे दे नहीं रहे, वही नहीं दोनों की समस्या है देते ही चले, अच्छा, तो इसमें आप अपने और जिले में बोल रहे आपने थे नियम कांटेक्ट अपने अपने डिस्ट्रिक्ट अपने DM को आपने लिखा इसमें? जी सर।
तो उसमें जो जो लोकल अधिकारी है जिनके पास वो अधिकार है उनको आप लिखिए, सर अदरवाइज तभी सीएम तो दे ऑफ दीजिए। हेल्पलाइन वगैरह से भी वो जो है कंसर्न जिस अधिकारी को उसमें अधिकार है उसी को वो भेज देते हैं। क्योंकि आपने विभाग का नाम लिखा, कौन से विभाग के बारे में है ये? पेयजल हाँ विभाग सर, है। नहीं एनवीडीए नर्मदा राति वितात नर्मदा, ये तालाब वाला जल अच्छा अच्छा ओके। तंत्र बन जाता है। मैं अच्छा और अच्छा तिवानंद सर तो व्हाट्सएप कर दूँ ना। ठीक ठीक है, आप इसको कर दीजिएगा, आगे चर्चा होगी, ठीक है ना विजय जी? जी। ओके ठीक है, अगला ले लेते हैं। नरेश कुमार जी, आपकी क्या, आपका क्या कुछ और प्रश्न है क्या? कुलदीप जी ने भी हैंड रेज किया हुआ था छूट गया सर कि जी। बिल्कुल 2-2 साल तक ही मतलब को प्रेजेंटेशन के ऊपर मतलब एक्शन नहीं लेते, कोर्ट में जाते थे, कोर्ट कहते हैं इनको स्पीकिंग ऑर्डर पास कर दो, तो फिर इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है कि मतलब ये तो फिर को किसी चीज नहीं, पे ऐसा कार्रवाई होता है, कोर्ट नहीं। जब कोर्ट ऑर्डर जब देता है ना कि स्पीकिंग ऑर्डर पास करो, तो उसमें टाइम भी होता है कि कितने हफ्ते के अंदर करना है ना, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते या 12 हफ्ते जो भी टाइम दिया है, तो उतने टाइम में ऑर्डर पास नहीं करते तो आप कंटेम्प्ट ला सकते हैं फिर। नहीं सर, कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो कर देते हैं, लेकिन इनकी खुद की भी तो हाँ नहीं कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर आप, बनती कर दिया तो फिर आप आदेश को चैलेंज कर सकते हैं सर्श्योरिटी में, है ना। फिर वो कोर्ट है। देखो ऑर्डर करने का बोला तो ऑर्डर तो उन्होंने कर दिया, टाइम बाउंड भी कर दिया। अब ये कि जो ऑर्डर है वो विधि अनुसार नहीं है, है ना, इन अकॉर्डेंस विद लॉ उन्होंने पास नहीं किया, तो उस आदेश को फिर आप चैलेंज कर सकते हैं, सर मैं तो ये नहीं कंटेम्प्ट पूछ का रहा, जो मामला आप नहीं बनता, हेलो वो हाई कोर्ट में रिट हेलो, याचिका में। हाँ यस मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि इनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब कोई आदमी प्रेजेंटेशन देता है, कोई एप्लीकेशन देता है, उसको डिसाइड करे डिपार्टमेंट की, तो नहीं वो तो होता ही है, लेकिन जब वो नहीं करते कोर्ट भी इसीलिए तो हर कोर्ट, चीज कोर्ट कहे तभी करेंगे यार। इसीलिए तो मैंडमस बना हुआ है ना कि देखो जब उनका कोई ड्यूटी होता है वो ड्यूटी नहीं करते हैं तभी तो लोग कोर्ट में जाते हैं ना। तो ऐसे प्रकरण आपको कोर्ट के ध्यान में लाने हैं, और कोर्ट फिर ऐसे मामले में आदेश देता है कि आप इसमें टाइम बाउंड कार्रवाई करिए, हाँ तो तो कोर्ट कोर्ट को इसीलिए फिर तो तो बने जैसे हुए हैं ना। कोर्ट तो आदेश दे देगा, फिर वो उसको डिसाइड कर देंगे, लेकिन फिर भी नहीं इनकी तो इन फिर इनकी जो जो लापरवाही फिर होती है उस पर देखो कोई फिर जो कार्रवाई फिर एक्शन जो थोड़ी हुआ। फिर जो डिसीजन देखो जो डिसीजन है डिसाइड उन्होंने कर दिया, अब वो डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है ना, तो फिर आपको उसको चैलेंज करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ कैसे नहीं है, ये फिर आपको साबित करना पड़ेगा, तो वो रिलीफ आपको मिल सकती है कोर्ट से आगे। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन जो इनकी ड्यूटी थी, इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, तो उसके अकॉर्डिंग भी तो कोर्ट को कुछ करना चाहिए। कोर्ट उसके अकॉर्डिंग, कोर्ट तो सिर्फ इनको कहती है आप डिसाइड कर दो। नहीं तो ये दो लोगों का विवाद है तो डिसाइड कौन करेगा, ये कोर्ट ही तो करेगा ना, वो तो बोल रहे कानून के मुताबिक किया, आप बोल रहे कानून के मुताबिक नहीं किया, तो फिर दोनों में डिसाइड कौन करेगा, वो तो कोर्ट ही करेगा ना। मैं कह रहा सर, कोई अधिकारी है और अधिकारी को पजिशन दी, उसने 2 साल तक उस पर कार्रवाई नहीं की, भाई कार्रवाई वो उसने क्यों तो नहीं की? सर उसकी ड्यूटी थी ना कार्रवाई करनी उसके ऊपर, चाहे वो उसको गलत डिसाइड करे, वो डिसाइड तो देखो करता ना। ऐसा ऐसा होता है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि टाइम बाउंड करो, तो उसने कोर्ट टाइम बाउंड कोर्ट की नहीं कह अपना रहे सर, निर्णय कोर्ट दे दिया। कोर्ट की मत, एक मिनट सुनो, हेलो, हाँ कोर्ट को एक साइड में कर दो सर, ऑनर नंबर कोर्ट को एक साइड करो। मैंने कोई किसी डिपार्टमेंट में प्रेजेंटेशन दी, उसने एक महीने में जवाब नहीं दिया, मैंने एक रिमाइंडर दिया, दो रिमाइंडर दिया, तीन रिमाइंडर दिया, उसने डिसाइड नहीं किया। मैंने डायरेक्टर को दे दिया, 6 महीने बाद डायरेक्टर ने डिसाइड नहीं किया। मैंने पीएचडी को दे दिया, पीएचडी ने डिसाइड नहीं दिया, ठीक है। तो उनकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक आदमी हर चीज में ये मंडे में आपको सुन कोर्ट लेके में, ये कोर्ट में आपको जाएगा। कोर्ट में कर, ये आपको कोर्ट में कहना है ना, जब आप ऑलरेडी हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने आपके फेवर में निर्णय दे भी दिया कि टाइम बाउंड तरीके से डिस्पोज करो, तो कोर्ट पहले केस में केवल इतना ही करता है, उसके बाद फिर यदि आप किसी ऑर्डर से व्यथित है कि इन्होंने जो डिस्पोजल किया वो सही नहीं है, तो उस ऑर्डर को आप क्वैश करने के लिए चैलेंज करिए ना, और साबित आपको करना पड़ेगा कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ कैसे नहीं है। उन्होंने तो अपने तरफ से कार्रवाई कर दी और 3 महीने बोला, 3 महीने के अंदर कर दी, तो उनकी गलती कहाँ है। नहीं सर, आप फिर कोर्ट में लेगो, मैं तो कोर्ट की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो नहीं आप तो बोल रहे हैं ना कि आपने नहीं। ठाकर सर उनका कहना है, नरेश जी का कहना वो है शायद दो कि केस को मिक्स कर रहे हैं, ऑफिस मुझे में लग रहा है आपको ऑफिस दो केस को मिक्स कर रहे ऑफिस हैं क्या, आप दो अलग अलग केस की बात कर रहे हैं। देखो मैं आपके पूरे की जो बात कर पिछले रहा क्वेश्चन है सर, वो सबको याद रखते हुए बात कर रहा हूँ, आपका फ्रेश केस है तो आप बताइए कि पहला मामला खत्म हो गया और ये फ्रेश क्वेश्चन है तो आप बताइए, अदरवाइज पिछली बस सब बातें मुझे याद रहेंगी। सर मैं कोर्ट की बात, मेरे कहने का मतलब कि है कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति है, जैसे तो मैंने एक वही मैं प्रेजेंटेशन बताया दी। कि देखो वो कार्रवाई नहीं करता है तो 5 साल तक भी कार्रवाई नहीं किया, तो उसमें आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि टाइम बाउंड इसका डिस्पोज करो, क्योंकि नहीं कोर्ट मेरे ने कहने का देखना मतलब है कि क्या, इनकी कोई ड्यूटी नहीं होती किसी नॉर्म्स रेगुलेशन का, वो 5 साल तक उसने कार्रवाई क्यों नहीं की?
तो उसमें आप वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को लिख सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रत्यावेदन नहीं, वो दे तो सकते डायरेक्टर भी नहीं करता उसके ऊपर, तो कुछ भी कार्रवाई। हाँ तो हाँ उसमें हाँ उसीलिए तो मैंडम होते हैं ना, उसका मैं इसीलिए नौकरी तो हुआ मैंडम ना, होते हैं, इसीलिए ये हाल हुआ। इसीलिए तो नरेश मैंडम जी, होते हैं। हाँ जी सर, नरेश जी सुनिए ना, ये जो आप समस्या बोल रहे हैं ना, मैं समझ गया आपका समस्या। आपका सवाल है जो कुर्सी पे बैठे हैं लोग काय अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कैरी आउट करते हैं, तो सवाल है कोटा में नौकरी होने से तो आपको नहीं मिलेगा ना, और मेरिट वाला होना चाहिए। देवेंद्र देवेंद्र जी कुछ अपना बोलना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी हाँ बोलिए, क्या क्या बात रखना चाह रहे हैं। सवाल है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज में बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं, उनका जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नहीं बनता है लोगों के शिकायतों के निवारण के लिए? तो इसमें जो मेरा अपना मत है पर्सनली, वो दो है। एक तो ये कि जो डिपार्टमेंट या जो काम के लिए जिस अथॉरिटीज को बनाया गया है, वो उनके कृत्यों में शामिल होता है। उनके कृत्यों में ये भी शामिल होता है कि उन उससे संबंधित मामलों का विचारण करे, विचारण करके उसका निवारण भी करे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये बिल्कुल जो सर्विस रूल्स है उसके अंतर्गत आपका कदाचार की श्रेणी में जाएगा। लेकिन अब जैसे इनका मामला ले लीजिए, इनके मामले में क्या है कि ये बोल एक बात ये भी बोलना चाह रहे हैं कि भाई मैं जब कोर्ट में गया तब मेरे को रिलीफ मिल रही है, और इस बीच में जब मैं उनके पास जा रहा था तब रिलीफ नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम हर मामले में कोर्ट जाए? तो बिल्कुल ऐसे मामलों में हमको स्ट्रिक्टली इनके ऊपर करप्शन के या कदाचार के चार्ज लगाने चाहिए। ये बोलते हुए कि इन्होंने किसी इंटेंशन के तहत, अगर आपको किसी इंटेंशन के तहत ये नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर किसी को किसी को फायदा पहुंचाने के लिए वो आपके मामलों को टाल रहे हैं या आपको किसी तरीके से हरासमेंट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कदाचार की श्रेणी में जाएगा। ये नहीं है, एक डिसीजन था प्रशासनिक उसमें कि आप किसी भी शिकायतों को लंबे समय तक ठंडे बस्तों में पड़े रहने दे, ऐसा नहीं होगा, आपको मैटर्स का निपटारा भी करना है। तो जो चीज के लिए बॉन्डेड, आप ऐसी कंडीशन में दो तीन बातों को अच्छे से हम लोगों को समझ लेना चाहिए, चाहे तो उसके लिए आप आरटीआई का भी सहारा ले सकते हैं। एक तो ये कि जो पब्लिक अथॉरिटीज बनी है, इस आरटीआई एक्ट में भी इस बात को बड़ी अच्छे से सुंदरता के साथ समझाया हुआ है सेक्शन 41B में कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के कृत्य कर्तव्य क्या होंगे, उसकी स्पष्टीकरण को बताने की बात रखी गई है 41B के एक क्लॉज में। उसके बाद ये भी बताया गया है जो उसमें लोग अधिकारी होंगे उनके शक्तियां क्या होंगी, उनको किस कानून के तहत काम करना है, किस विधि की प्रक्रिया को अपनाना है, उसकी बात भी लिखी हुई है। तो आपको अगर ऐसे कोई प्रकटन नहीं मिल रहे हैं तो आप सीधे आरटीआई लगा के इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे पहले क्रिएट कर लीजिए। ये बड़ा फायदेमंद होता है ऐसे मामलों में जब हमको मालूम है कि डिपार्टमेंट काफी लथर है, तो ऐसे मामलों में हम इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकते हैं कि शिकायतों के निवारण के लिए आपके इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी है और जो नियुक्त किया गया है उसकी जानकारी प्रदान करें, उसके लिए शिकायतों के निवारण के लिए जो प्रक्रिया तय की गई है, समय तय किए गए हैं, उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं या दस्तावेज है या ऑर्डर शीट्स हैं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान कीजिए। ऐसा करके आप बाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं उनके बीच में। और बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं करें तो सेवा नियम के जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 14 और 15 इधर पे, और भाई साहब ने भी लिख के भेजा है, लेकिन सेक्शन 3 भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जहां पे उसको एक सद्भावना की दृष्टि से, ईमानदारी से, सत्य निष्ठा के साथ काम करना है, हर मामलों पर लोक हितों का या लोगों के आए हुए शिकायतों का भी निवारण करना है। तो ये बिल्कुल सर्विस रूल का मैटर है, इसके लिए आप उच्च अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं, लोकायुक्त वगैरह में जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कहीं कोई करप्शन का मामला है या किसी को बेनिफिट पहुंचाने का मामला है तो एंटी करप्शन में जा सकते हैं, और ऐसे मामलों पर अगर आपको नहीं हो तो आप सीएम पोर्टल या पीएम पोर्टल पे जैसे मामले हो उसमें भी ऐसी शिकायतों को देना चाहिए। थैंक यू। जी सर, ठीक है आपने सर, बट ये तो अब ये कि हर चीज में मामले, हर चीज में मंडे में थोड़ी लगाई जा सकती है, और एक आदमी के पास हर चीज के लिए 50,000 थोड़ी होगी छोटी छोटी कंप्लेंट के लिए। इसीलिए जो आरटीआई एक्ट है ना, बहुत अच्छा एक कानून है एंटी करप्शन के मामले के लिए, लेकिन क्या है जो सेक्शन 41B का डिस्क्लोजर नहीं हुआ तो इसमें आपको क्या नहीं पता चल पा रहा है कि किस अधिकारी को क्या काम सौंपा गया है, उस काम को करने के लिए वो किस विधि की प्रक्रिया को इस्तेमाल करेगा।
अगर सेक्शन 41B का ईमानदारी से हर डिपार्टमेंट डिस्क्लोजर करना चालू कर दे तो आपको ये बड़ा आसान हो जाएगा समझना कि आपको किस अधिकारी से किस मामले पर मिलना है और उसको लिए वो कौन सी प्रक्रिया अपनाने वाला है। अब अगर हमें ऐसी चीजों को, जैसे हम किसी डिपार्टमेंट में इस तरीके की माथापोड़ी करने जा ही रहे हैं, तो ऐसा भी एक आवेदन लगा के आप अपनी समस्या को बड़ा वो कर सकते हैं, बल्कि इसमें एक उनके लिए बाउंड्री वॉल क्रिएट हो जाती है, वो समझ जाते हैं कि ये भाई पहले से प्रिपेयर्ड है, तो आपको थोड़ा सा आसान हो सकता है, ऐसा मेरा सजेशन होगा। ठीक बात है, आपकी बात सेटिस्फाइड है। मतलब सेक्शन 4BD का तो मतलब कंप्लायंस तो किसी ने किया ही नहीं थे। आप कुछ मत करें, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 और सबसे महत्वपूर्ण है क्लॉज 6, ये बहुत अच्छे क्लॉजेस हैं और आपके लिए यूजफुल भी है। और जैसा आज का जो सब्जेक्ट था कि व्यक्तिगत जानकारी और जो सेक्शन 11(1) से रिलेटेड है जानकारी, उसके लिए ये बिल्कुल उस पर फिट बैठता है, क्योंकि जब हम किसी बात पर हम आ जाते हैं कि किसी चीज को देनी है जानकारी, कब वो व्यक्तिगत होगी और कब वो व्यक्तिगत नहीं होगी, ये तय करना बड़ा आसान काम है। सेक्शन 41B को जो आदमी पूरा पढ़ रहा है ना, उसके लिए बहुत आसान है कि कौन सी जानकारियां आपको आसानी से मिल जानी चाहिए। क्योंकि लोग जो है, मैं तो व्यक्तिगत मानता ही नहीं, मैं तो अपने इसमें 2-3 बार प्रेजेंटेशन दे चुका हूँ शिवानंद भाई जी के सहयोग से, कि इसको मैं सिर्फ 2 ही क्लॉज में बांटता हूँ। एक तो क्लॉज मैं मानता हूँ कि कोई जानकारी सार्वजनिक है या असार्वजनिक, इस हिस्सों में बांट लिया जाए। दूसरा, वो जानकारी जो है पब्लिक डिपार्टमेंट में अवेलेबल है या प्राइवेट पार्टी के पास अवेलेबल है, इसमें वो कर लिया जाए। अगर हम इन 2 धारणाओं को समझ जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से अपने केस को प्रेजेंट भी कर सकते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट को हमारी जानकारियों को व्यक्तिगत बोल के, पर्सनल बोल के, 11(1) का वो करके जो इस तरीके की बदमाशियां होती हैं, वो आप बहुत हद तक उस पे अंकुश लगा सकते हैं। बाकी जिसको बदमाशी करनी है वो करेगा, उसको आप रोक भी नहीं सकते, उसके लिए ऊपर की जो प्रक्रिया बनी हुई है वो आपको करनी पड़ेगी। अब बाकी अगर व्यक्तिगत इसमें अगर कोई ब्रीफिंग की नीड होगी तो मैं कर सकता हूँ, बाकी अगर किसी को कोई मुझसे कोई सवाल हो तो मैं अवेलेबल हूँ। एक सर सवाल ये है, जैसे कि जैसे एक मैनुअल प्रोसीजर होता है, जैसे डिपार्टमेंट की वेबसाइट देखी तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अंडर द सर्विस रूल्स और मैनुअल प्रोसीजर जो टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो इश्यू किए जाते हैं उनके तहत काम करते हैं। तो वो जो चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट के ऊपर जो मैंने मैनुअल जो प्रोसीजर है उसमें भाई मिनट्स ऑफ मीटिंग कैसे बनाई होगी, फाइल नोटिंग क्या होगी, किसी लेटर कैसे टाइप करना है, कितना स्पेस छोड़ना है, तो उसमें मैनुअल प्रोसीजर में सारी चीजें लिखी हुई सर उसमें। देखिए, मैंने दो तीन चीजें, किसी भी सरकारी सिस्टम को काम करने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो होता है जो उसके ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, जितने भी जो वर्किंग है, जो उसकी हायरार्की है, हायरार्की में किस तरीके से काम होगा, तो उस हायरार्की को समझना पड़ता है। उसके लिए सर्विस रूल्स होते हैं, वो आपको बताता है कि कौन, हमेशा उसमें एक चीज तय है कि एक पद में बड़े ज्येष्ठ अधिकारी की बात को उससे नीचे के अधिकारी को मानना है, उसको फॉलो करना है, और जो हायरार्की है उसकी बात पर हमेशा सर्विस रूल्स जो है टिके हुए रहते हैं। दूसरे नंबर की बात है रिकॉर्ड कीपिंग, जो रिकॉर्ड कीपिंग करने हैं उनको, वो किस तरीके से होंगे, किस तरीके से वो लिए जाएंगे डिपार्टमेंट के अंदर में, कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आ रहे हैं तो उसका अंदर आने का प्रोसीजर क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट के बाहर जाने का क्या प्रोसीजर होगा, जो डॉक्यूमेंट अंदर आए हैं वो किस स्टेप से ऊपर के अधिकारी तक पहुंचेंगे और अधिकारी उसको किस तरीके से नोटिंग करेगा, किस तरीके से नोटिंग करने के बाद संबंधित अधिकारी उसकी ब्रीफिंग करेगा, ब्रीफिंग करके फिर वापस रिप्रेजेंट करके उस पे ऑर्डर लेगा कि भाई इस पे क्या करना है या उसमें क्या मत है या क्या मार्गदर्शन है, वो लेता है। और उसके बाद फिर ऑफिस लेटर कैसे रिलीज होते हैं, ये इस तरीके की एक प्रोसीजर होती है जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है, रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड होती है। इसके बारे में भी आरटीआई का सेक्शन 41A अच्छे से ब्रीफिंग करता है, जो काम 41B से पहले होने का है। जो 41B से पहले अगर किसी डिपार्टमेंट ने 41A का काम नहीं किया है, वो 41B को कभी भी हमें नहीं दे सकता। हम एक्चुअली क्या करते हैं, सीधा 41B पे पहुंच जाते हैं, हम इस बात कभी भी कोशिश नहीं की 41A का प्रोसीजर किए कि नहीं किए। 41A का प्रोसीजर फुलफिल करने के लिए किसी डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं या मैनुअल्स हैं वो बने हैं कि नहीं बने हैं, जो बने हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निश्चित तौर पे कि इम्प्लीमेंटेशन एक
प्रोसीजर के तहत होता आ रहा है, जो पहले से आजादी के पहले से भी बने हुए थे, और जो सेंट्रल का बना हुआ मैनुअल है वो एक बेसिक मैनुअल है। उस समय हमारे देश में सिर्फ 8 ही स्टेट थे, वो 8 स्टेट्स जो है उस मैनुअल को फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते गए, अलग अलग स्टेट्स बनते गए, तो कई कानून ऐसे हैं जो पहले से बने हुए हैं उसको उसी रेशो में लोग फॉलो करते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई कानून की जरूरत नहीं होती, एक प्रचलित व्यवस्था होती है, समझना पड़ेगा वो थोड़ा सा आप लोगों को। नहीं सर, उसमें मैनुअल प्रोसीजर में जो है ना फर्स्ट पेज है ना, उस पर ये लिख रखा है कि ये जो मैनुअल प्रोसीजर है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर अप्लाई होंगे, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे तो उसके सब डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे बहुत सारे होंगे, तो क्या वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे? जरूर देखिए, जनरली जो हम लोग एक मैं बेसिक अगर बताऊंगा तो मेरे हिसाब से 8-10 तरीके से 8-10 पॉइंट को अगर लोग समझ जाए तो पूरा स्ट्रक्चर जो है हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट का बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कि अगर अनुमति हो शिवानंद भाई तो मैं थोड़ा सा ले लूं समय, इसमें 5 मिनट लगेगा, अगर अनुमति हो तो मैं इसमें हायरार्की समझाना चाहूंगा, अगर अनुमति हो तो। ठीक है, जैसे एक बात को आप समझिए कि पहले का माहौल जो था, जो हमारे यहाँ व्यवस्थित प्रक्रिया जो चली आ रही है, पहले क्या होता था, राजा होते थे, ठीक है, राजा महाराजा, ठीक है, तो जो राजा महाराजा होते थे वो आज की दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के तौर पर देखिए, बस अंतर क्या है, पहले आप राजा जो है आदमी के क्रम पे बनते थे, वो पावरफुल होते थे, डिसीजन मेकर होते थे, अब वो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है, लेकिन क्रम में वो हमारे राजा ही है, ठीक है। दूसरा क्रम आप समझ लीजिए अपने सिस्टम के अंदर में, हायरार्की आप सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको समझा दूंगा तो आप मेरी बात को पूरे समझ जाएंगे सभी साथी। दूसरा कौन आता है, राजा के लिए काम करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होती थी, क्या 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 काम करता था राजा, के क्या काम होते थे राजा का, पहला काम होता था अपनी जो सत्ता के अंदर में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करना, ठीक है, सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा विभाग है, उसके डिसीजन लेने के लिए आज भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को शक्तियां हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या होता था, जनता को न्याय, तो न्याय देना के लिए हमने क्या व्यवस्था बना दी, एक न्यायपालिका बना दी, और उस न्यायपालिका का जो सबसे हेड जो सुप्रीम है वो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को सुनता है, ठीक है। दूसरा काम क्या था, उसको अपनी राजकार्य की व्यवस्था बनाए रखना, राजकार्य की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए उनके पास ब्यूरोक्रेसी होती थी, मतलब उनके काम करने वाले लोग होते थे, उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट होते थे, उनके हेल्थ डिपार्टमेंट होते थे, उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट होते थे, तो ये 3 चीजें थी। लेकिन हमारे संविधान के आने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ, वो बदलाव ये हुआ कि हमने ये सारे पावर राजा के पास से छीन लिए, हम बोले हम राजा तो बनाएंगे लेकिन हम राजा को जो है काम करने के लिए, हम अपने सिस्टम को चलाने के लिए संसद विधानसभा के जरिए से हमारे कानून बनेंगे और हमारे लोग यानी हम खुद हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाएंगे। तो हमने एक नई व्यवस्था ऐड कर दी इसके अंदर में, जो लेजिस्लेटर्स की है, जो लेजिस्लेटर है ये अब राजा का मंत्रिमंडल, जो पहले होता था मंत्री होते थे प्रधानमंत्री होते थे, आज भी वही मंत्री और प्रधानमंत्री है ना, लेकिन अब क्या है, मंत्री और प्रधानमंत्री निर्णायक में पहुंच गए, राजा निर्णायक होता था, अब जो है मंत्री और प्रधानमंत्री निर्णायक भूमिका में है। अब हमने क्या काम किया कि ये जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या उनकी कैबिनेट्स है, ये डिसीजन लेगी कि कैसे ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, कैसे सिस्टम काम करेगा, कैसे कानून लोगों की जरूरत के हिसाब से लाए जाएंगे, कैसे संविधान चलेगा, ठीक है। ये एक हायरार्की, अब इस हायरार्की को अगर हम स्टेप बाय स्टेप नीचे लाना चालू कर दें तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जितने भी सेक्रेटेरिएट होते हैं, जितने भी, अब ये मैं अब आ रहा हूं मेन मुद्दे की बात पे, मैं वो पहला एक बेसिक बात कहा था, अब मुद्दे की बात है, जितने भी सेक्रेटेरिएट है या जितने भी सेक्रेटरीज हैं ये राजा के सचिव है, हमारे प्रेसिडेंट के सचिव है, हमारे अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सचिव है, या हमारे राज्यपाल के सचिव है। राज्यपाल कौन होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है जो स्टेट के लिए होता है ना, तो हमारे स्टेट के लिए वो राज्यपाल ही हमारा राष्ट्रपति है, मतलब राजा और महाराजा बस इतना ही अंतर है,
स्टेट में राजा बैठा हुआ है, देश में महाराजा बैठा हुआ है कई राजाओं के ऊपर। इन राजा को संभालने के लिए, उनके सहयोग करने के लिए सेक्रेटरीज है, ठीक है। तो ये जो सेक्रेटरीज है, इनका काम सिस्टम में किसी चीज का एग्जीक्यूशन कराना नहीं होता। इनका काम होता है वो राजा के तरफ से, वो वैसे लोग रहते हैं जो चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, मदद करते हैं, जो उस कानून में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसका मंथन करते रहते हैं। सिस्टम में कहां क्या फॉल्ट हो रहा है, कहां गड़बड़ हो रही है, क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, इस चीजों को समझने के लिए सेक्रेटेरिएट होता है। लेकिन कई बार हम लोग क्या समझ लेते हैं कि सेक्रेटेरिएट जो है फुल पावर में है, वही एग्जीक्यूटिव बॉडी है। वो पावर में है, इसलिए पावर में है क्योंकि उसको अपने राजा की, राज्यपाल की शक्तियां प्राप्त है। अगर एक जैसे आज कोई आप कहीं पे कोई नौकरी में जाएगा, अगर वो राजपत्रित नौकरी है तो वो सीधी सी बात है उसका राजपत्र में लेटर निकलेगा। राजपत्र निकाल कौन रहा है? वो सचिव निकाल रहे हैं। पेपर वर्क प्रोसेस कौन कर रहा है? सचिव कर रहे हैं। तो इनके पास बहुत पावर आ जाता है, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम इनका नहीं है। तो जो एक पहला चरण हो गया ऊंचे स्तर पे राजा, राजा के बाद सचिव जो उस सारे प्रोसेस में उनके बीच की मध्यस्थता करता है राजा को बताने के लिए, वही काम आप क्योंकि कैबिनेट के साथ भी जुड़ गया है तो कैबिनेट को भी बताता है। कैबिनेट में मंत्री होते हैं उसके डिपार्टमेंट के, इसलिए मंत्री को ही बताता है। अब देखेंगे आप कई डिपार्टमेंट जब 41B का डिस्क्लोजर होता है तो उन लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, पहले मंत्री फिर सचिव। भाई मंत्री को इसलिए बीच में लाए हैं क्योंकि वो मंत्री को रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है सचिव को, लेकिन सचिव जो है मंत्री का आदमी नहीं है या मंत्री के लिए जवाबदेह नहीं है। सचिव जो है हमेशा जवाबदेह है राज्यपाल के लिए, वो राज्यपाल का प्रतिनिधि होता है। मंत्री के लिए रिस्पॉन्सिबल इसलिए क्योंकि वो उस विभाग का प्रमुख है, उसका डिसीजन लेने वाला है, ठीक है। तो वो उसके सामने चीजों को प्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद जो नीचे में उसके बाद आती है एचओडी, हर स्टेट की अपनी एक एचओडी होती है जिसको या ज्यादातर जगह डायरेक्टरेट के नाम से बोला जाता है। देवन जी अपन ये कह रहे थे कि अपन ज्यादा इसको, ठीक है आपका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छा है, लेकिन अपन थोड़ा टॉपिक में ही रह करके कुछ और क्वेश्चन ले लेते क्योंकि 10 मिनट का टाइम है, फिर अपन इसको खत्म करेंगे। आप जैसा कहें सर, मैं तो सिर्फ इसलिए वो कर रहा था, ये हायरार्की जो है हमको आरटीआई लगाने में भी मदद करती है। जी जी कैसे आप कंक्लूड, हाँ वही आप कंक्लूड कर दीजिए 1-2 मिनट में, तो इसको अपन फिर आगे का जो भी प्रश्न है। तो जो पहला सेक्शन है कि अगर आपको अपने राज्यपाल से, मंत्री से या प्रशासन स्तर से, शासन स्तर से सॉरी प्रशासन नहीं, शासन स्तर पर अगर कोई सवाल करना है तो आप हमेशा अपनी आरटीआई सेक्रेटेरिएट में लगाएंगे, तो वो आपका एक पब्लिक अथॉरिटी है, आपका सेक्रेटेरिएट लेवल। जैसे आप कई बार देखेंगे कि राज्यपाल के यहाँ आप नहीं लगा सकते, मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं लेकिन वो उनके सचिव के जरिए से लगेगा। मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल का सचिवालय, मंत्री का सचिवालय, ठीक है। ये पहली बॉडी होगी। सेकेंड बॉडी जो है स्टेट है, स्टेट में एचओडी है, डायरेक्टरेट है, जो ये सेक्शन रहता है इनका काम रहता है एग्जीक्यूशन का, ये फाइनली आपका निर्णय लेते हैं। तो जब भी आपको राज्य स्तर से रिलेटेड कोई इश्यूज है, जब आपको लगता है कि कोई चीजों का डिसीजन जो है या कोई योजना के संबंध में, कोई प्रोग्राम के संबंध में कोई बात हो रही है, तो वो निश्चित तौर पर 90% केसेस में वो डायरेक्टरेट लेवल से होता है। तो ऐसे मामलों में उसको डायरेक्टरेट माना जाएगा। इसके अंदर में जो जोनल डिपार्टमेंट होते हैं, रीजनल डिपार्टमेंट होते हैं, ये भी पार्ट ऑफ डायरेक्टरेट के अंदर में आएंगे। हालांकि इसको आप रीजनल और जोनल में बांट सकते हैं, लेकिन ये डिपार्ट जो होते हैं, क्योंकि जोनल एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं, वो करता है, वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को करता है ना, तो इस कारण से वो पार्ट ऑफ स्टेट है। तो आपको इस तरीके के कोई इश्यूज हैं तो आप अपने आरटीआई डायरेक्टरेट को प्रेजेंट कीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इशू एग्जीक्यूशन से लेवल से रिलेटेड है तो इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपको लोकल अथॉरिटी का वर्ड इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट होगा। लोकल अथॉरिटीज के अंदर में ज्यादातर 3 ही डिपार्टमेंट होते हैं, वो होता है कलेक्ट्रेट, वो होता है आपका पंचायत, और वो होता है आपका निगम, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे जिस भी तरीके से हो। इस 3 सेक्शन में आपका जो है पूरा सिस्टम छुपा हुआ है। अब आप बात करेंगे कि भाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सीएमएचओ भी होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इन सब की अध्यक्षता हमेशा कलेक्ट्रेट करता है, जितने भी डिपार्टमेंट है।
ये सारे डिपार्टमेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं इनका अध्यक्ष 99% कलेक्टर को ही बनाया जाता है। तो ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट स्तर के मामले आपकी लोकल अथॉरिटीज के हो जाते हैं। अगर आपने गलती से ऐसे मामलों को कलेक्ट्रेट में भी सीधा आवेदन लगा दिया है तो वो संबंधित डिस्ट्रिक्ट के विभाग तक जाएंगे, ज्यादातर वो उसी डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है सरल तरीके से आप लोगों के समझने की। बाकी चूंकि समय मुझे कम मिला है इसलिए मैं शॉर्ट में जल्दी से खत्म कर दिया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। उत्तम चंद जी, आपका क्या प्रश्न है? उत्तम चंद जी प्लीज, उत्तम चंद जी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें। उत्तम चंद, अरुण कुमार जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? धन्यवाद सर मौका देने के लिए। नमस्कार सभी साथियों को। सर देवेंद्र सर से सर थोड़ा सा जानना चाहता था, जानकारी चाहता था। सर एक एफआईआर सर हुई थी सर करीब 1.5 साल पहले 21 जुलाई 2022 में, तो सेक्शन थे 420, 406, 419, 468 और मध्य प्रदेश निक्षेपकों का हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 में 6/1। इसमें सर ये कोर्ट में सर अभी तक पुलिस वाले पेश नहीं कर रहे हैं इसमें, और ये जाँच के नाम पर सर टाल रहे हैं। इसमें सर ये है कि मतलब जो कंप्लेनेंट है सर उन मतलब हमारे इसमें बयान नहीं लिए पुलिस ने, पर जो आरोपी है सर उनके सारे बयान वैन हो गए हैं, उनके पूरे डॉक्यूमेंट भी ले लिए, डॉक्यूमेंट हमसे भी लिए गए हैं, पर उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन वो कर नहीं रहे। वो कहते हैं जांच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। मैंने सर उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके लिए सर मैंने डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को कई मैंने आवेदन भी लिखे हैं, उन पर आरटीआई भी लगाई, बट उनके भी कोई जवाब वो दे नहीं रहे हैं। मतलब इन पे भी आप जांच कीजिए, इन जो सर ये जांच करने पर टाल रहे हैं, और आरोपियों के साथ मिलकर के सर थाने को बुलाते हैं मेरे को, टीआई साहब कहते हैं केस वापस ले लो नहीं तो हम आपके ऊपर मानहानि मतलब एक्सटॉर्शन का हम वो कर देंगे, केवल आप हमको हमसे पैसे ऐंठना चाह रहे हो, ऐसा कुछ केस हम आपके ऊपर कर देंगे। तो मुझे जानकारी मिली थी कि इस पे स्टेटस रिपोर्ट हम लगा सकते हैं कोर्ट में, तो मतलब उसमें सब क्या फीस रहती है उसकी स्टेटस रिपोर्ट की, क्या मैं कोर्ट से लगा सकता हूँ स्टेटस रिपोर्ट? तो आप बिल्कुल केसेस को बड़ी आसानी से कोर्ट में लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रोसीजर है आप कानून में एक प्रोसीजर आप समझ लीजिए कि आपने कोई कंप्लेन शिकायत जो है आपने थाने में की है, तो थाने आपने जो शिकायत लिखित में दी है या मौखिक भी आप दे सकते हैं, आपकी शिकायत दर्ज हो जाए तो वो 154 पुलिस का काम होता है, उसको शिकायत को एफआईआर कहते हैं, उसे हम एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर किए बगैर किसी भी तरीके की कोई भी जांच का प्रावधान थानों को नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ डिसीजंस जो सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, उन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में तीन बातें बड़ी समझाई गई और बहुत ही स्पष्ट तौर पर समझाई गई। पहली बात उन्होंने एकदम क्लियर कहा कि कोई भी शिकायत जो आती है, चाहे ओरल सामने वाला खुद आके बताए, चाहे मौखिक लिखित में दे, चाहे फोन पे, वो अगर शिकायत दे रहा है, वो शिकायत का जो प्रकृति है वो संज्ञेय अपराध का है, कॉग्निजेबल है, तो करनी है। जो नॉन कॉग्निजेबल है उसमें सामने वाले को बता देना है कि आपको 155(1) के तहत एक आपको वो दिया जा रहा है, आप उसके तहत आप जो है न्यायालय चले जाइए, आपका मामला कॉग्निजेबल नहीं है जी। उसके बाद उसमें दूसरी बात ये बताई गई है कि अगर कोई ऐसे मामले आ रहे हैं जो एंटी टाइम्ड है, एंटी टाइम मतलब मामले हो गए 4 महीना पहले, 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, ऐसे कुछ हो गए, तो ऐसे मामलों पर पुलिस जो है जांच कर सकती है, जिसको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर देखा जाएगा या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तरीके से देखेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी आ गया है केसेस तो आप सबको डाल दें, या एंटी टाइम केसेस को बड़े आसानी से आप रिलीज कर ले, लोग 6-6 महीने साल साल भर कंप्लेन लेके ना आए और वैसे मामलों को डील करा जाए सीधा, ऐसे मामलों को सीधा डील किया जाएगा, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। तीसरी बात तो ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी मामले में संज्ञेय अपराध होने की पुष्टि नहीं हो रही है लेकिन ऐसी संभावनाएं दिखती है कि वो संज्ञेय अपराध है, ऐसे मामलों पर प्रिलिमिनरी जांच की जा सकती है, लेकिन उसकी जो समय होगी वो 7 दिन से ज्यादा की नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप ये मान के आप चल लीजिए कि कोई भी जांच अगर पुलिस को करना है आपकी शिकायत के बाद, तो 7 दिन के अंदर कर लेना है, ओके, ठीक है। उसने जांच करके एफआईआर नहीं की है कायम, तो आप सीधा इस पर पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अब दूसरी बात, एफआईआर हो गई सर, एफआईआर हो चुकी है, अब सेकंड स्टेप आता है इसका, इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस और जितने भी चीजें आए हैं, वो ये बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए
कि सामने वाले अगर कोई मामले हैं, किसी को अगर ये लगता है कि जो मामले 7 साल के नीचे के हैं है ना, या जमानती अपराध से रिलेटेड है, ऐसे मामलों में सामने वाले को नोटिस देकर बुलाया जाए 41A का, और उनसे बयान लिया जाए, तथ्यों की जांच की जाए। अगर सामने वाला कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है या तो तब उसकी गिरफ्तारी करके उसको लेके आया जाए, नहीं तो जो भी चीजें, मतलब उसमें भी एक टाइम दिया है, उसमें टाइम क्या दिया है, उसमें भी 7 दिन दिया है, ठीक है, लेकिन आप बेसिक तौर पे उसको 30 दिन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो बात है ना वो कहाँ पे अटकेगी या क्लियर होगी। 7 दिन के अंदर में उसको जो है वो 41A का प्रोसीजर भी कर लेना है, मतलब 7 दिन आपकी शिकायत पर उसने ये सोचने के लिए लिया कि FIR करनी है कि नहीं करनी है। नेक्स्ट 7 दिन से 30 दिन में उसने इस चीज को तय कर लिया कि जितने भी उसमें पार्टी है जिनके विरुद्ध आरोप है ना, उन सबको उसको उनके बयान लेने हैं, ठीक है। अब अगर उस 30 दिन के बाद भी वो ये बोले कि उस मामले में पुलिस की, इस मामले में मैंने बयान आरोप नहीं लिया या नहीं प्रोसेस किया है, तो यहाँ पर प्रथम दृष्टिया ये सीन क्लियर हो जाता है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, ठीक है। तो अब आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है, अब आपका जाएगा SP के पास 154(3) की शिकायत के तौर पे। शिकायत ये नहीं होती कि आपके FIR दर्ज नहीं की गई, शिकायत ये है कि पुलिस के द्वारा आपके दिए हुए शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, मुझे लगता है कि सामने पुलिस की जो इंटेंशन है वो गलत है या वो अपनी जिम्मेदारी के अनुसार काम नहीं कर रही। आप यहाँ पे SHO की शिकायत कर रहे हैं, लोग समझते नहीं तो हमारे कंप्लेन को आगे लेके जा रहे हैं कि भाई हमारी कंप्लेन सुन लो, और वहां पे SP का काम ये नहीं होता है कि वो आपके उसमें FIR, उसका काम होता है कि वो देखे कि FIR क्यों नहीं हुई है। अब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भाई ये जो मामला है इतने समय हो गया है, इसके अंतर्गत में इनको बुला के सुनवाई कर लिया जाना था, जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाना था, ठीक है। तो अब ये जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए आप जो है निर्देशित करें थाने में, SHO को निर्देशित करें कि ये अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। माननीय न्यायालय के समय आरोप के जो चार्जशीट है वो चार्जशीट पेश किए जाए, अभियोग पत्र पेश किया जाए, जिस कारण मेरे जस्टिस को जो है नुकसान हो रहा है। सिर्फ आपको ये एक लेटर का प्रोसीजर करना है, मैं वही बता, अगर ये लेटर का आपने प्रोसीजर कर दिया 154(3) के लेटर को, आपने वहां नोटिस दे दिया है, तो उसके बाद आपका राइट हो जाता है कि आप सीधे कोर्ट जा सके। आपके पास दो दृष्टिकोण होते हैं, एक तो होता है 156(3) का और दूसरा होता है आपको 200 के अंदर में, ठीक है। अब जो 156(3) का जो प्रोसीजर है, आप दो तरीके के मामले में उठा सकते हैं, एक जिसमें पुलिस ने आपकी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की है, दूसरा जिसमें उसने कॉग्निजेबल मामले से मना कर दिया। अब ऐसे मामलों में आप जब कोर्ट जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक एफिडेविट लगेगी और एक ₹10 का टिकट आपकी याचिका में चिपकेगा, सिर्फ इतना ही कोर्ट फीस आपके जेब से खर्च में जाना है, बाकी टाइपिंग का खर्च। और जैसा कि मैंने सीखा अपने अनुभव से, पर्सनल मैं खुद जो अपीयर हो रहा हूं, मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी कि आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपके रिलेटेड थाने के मामले किस कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट में के सामने जाते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा पता करना है, वो ये करना है, वो जनरली आप वहां पे बैठे हुए टाइपिस्ट के पास से पता चल जाए, इसलिए किसी को संकोच करने की जरूरत नहीं है कि वो टाइटल कैसे बनाएगा। तो आपको चीज लगनी है वो क्या लगनी है, आपकी जानकारी, जिसके विरुद्ध आप शिकायत जा रहे हैं लेके, उसकी जानकारी, जब आप 190(200) के अंतर्गत में लेके जा रहे हैं, लेकिन जब आप पुलिस के अगेंस्ट में जा रहे हैं 156(3) के अंतर्गत में, तो वहां पे छत्तीसगढ़ शासन, सॉरी जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट बनेगी सर, आप सर इसमें पार्टी बनाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये मैंने अपराध के लिए शिकायत की थी, इस शिकायत पर मैंने ये ऐसे ऐसे जो है बार बार निवेदन किया, फिर मैंने इस निवेदन की पुष्टि ना होने पे, प्रतिवेदन ना होने पे, चार्जशीट ना देने पर मैंने SP को जो है
संबंधित इसकी जानकारी दे दी। इस एसपी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इंतजार करने के बाद मैं जो है माननीय न्यायालय के सामने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन चार्ज प्रस्तुत करने के लिए या बुलवाने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ जी। सर बस एक सर छोटा सा कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें कि सर इसमें एफआईआर एक्चुअली में हो चुकी है, एफआईआर सर वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये सर कंडीशन है। और इन्होंने सर जांच मतलब सेबी से इन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं, सेबी ने लिख के दे दिया है इसमें एफआईआर बनती है, इन्होंने फिर एफआईआर उसके बेस पे ही की थी। मतलब इन्होंने वैसे जांच तो कर ली बट ये सर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अपने उसमें लिख के देते हैं कि भाई जांच चल रही है, जांच चल रही है जी। आपको 156(3) के अंदर में आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो रिलीफ मांगनी है, जो प्रार्थना करनी है, वो इसी बात की करनी है कि आपने 154(1) का प्रोसीजर कर दिया है, 154(3) का भी प्रोसीजर कर दिया है, लेकिन सामने वाले जो पुलिस थाने हैं एसपी को बताने के बाद भी वो जो है आपके मामले में चार्जशीट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। चार्जशीट प्रस्तुत नहीं करने से जो है आरोपी के भागने की संभावना है या वैसी ही क्रिमिनल अपनाने की संभावना है या आपके जस्टिस प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इस मामले को आप सीधे संज्ञान में ले। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है देवन जी, देवन जी एक और अंतिम प्रश्न लेते हैं फिर कार्यक्रम बंद करेंगे। उत्तम चंद वशिष्ठ जी क्या प्रश्न है आपका जी? इसमें चार्जशीट फाइल करना भी जरूरी नहीं है, क्लोजर रिपोर्ट भी हो सकती है, ये देखिए कि कहीं क्लोजर रिपोर्ट तो नहीं लग गई है। नहीं सर कोर्ट में सर लिख के नहीं गया अभी तक, वो प्रेजेंट ही नहीं किया कोर्ट में, लिख के नहीं देते, क्लोजर रिपोर्ट है तो प्रोसिक्यूशन में जाता ही नहीं है मामला, है ना? तो क्लोजर रिपोर्ट लग गई है कि नहीं ये पहले पता कर लगाओ। क्लोजर रिपोर्ट लगी है नहीं देख लो, मतलब इन्वेस्टिगेशन के एंड में जो फाइनल रिपोर्ट होती है, फाइनल रिपोर्ट कुड बी आइदर ए क्लोजर रिपोर्ट और चार्जशीट, तो नहीं लगी सर है तो फिर वो चार्जशीट की प्रक्रिया फॉलो नहीं करेंगे। जी सर बताइए कि देखिए आपको तो नहीं मालूम कि आपकी डिस्क्लोजर रिपोर्ट या लगी है कि नहीं लगी है, क्लोजर रिपोर्ट लगी है कि नहीं लगी है, आपको कुछ नहीं मालूम, आप तो कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो गए, कोर्ट के सामने पुलिस या शासन जो है वो प्रेजेंट करेगा कि आपके मामले में क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर क्लोजर हो गया है तो आप प्रोटेम पिटीशन लगाएंगे, आप एक फिर से एक आवेदन देंगे कोर्ट के सामने और बोलेंगे कि जो ये मिला है इसकी कॉपी पहले आप मांग लेंगे, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कोर्ट के सामने बोल दिया क्लोजर है तो आप क्लोजर कॉपी आपको मिल जाएगी नकल प्रतिवेदन में कोर्ट से ही, ठीक है? और उसके बाद अगर उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोटेम पिटीशन लगाने का अधिकार आपको मिलता है, वो आप प्रोटेम पिटीशन लगाकर अपने मामले में बोल सकते हैं कि इसमें पुलिस ने जांच नहीं की है, इस तरीके की मामले थे, इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है, इसमें पुनः जांच की आवश्यकता है तो जांच करवाएं, या आपको लगता है कि मामला कोर्ट स्वतः से देखे तो कोर्ट में देखने की आप प्रार्थना रख सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तम चंद जी आपका क्या प्रश्न है? जी नमस्कार सबको। जी नमस्कार, मैं उत्तम चंद वशिष्ठ चंबा हिमाचल प्रदेश से हूँ। पिछले कई सालों से हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आरटीआई, और मैं बेसिकली खुद ज़्यादा आरटीआई नहीं इस्तेमाल करता हूँ, मेरे साथ जो टीम है मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो आरटीआई लगाते हैं, और उसके बाद जो उनके साथ होता है वो चीज़ें मैं सुन रहा था अभी मीटिंग के दौरान। तो मतलब यही है कि लगभग सेम चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं प्रशासन के द्वारा, पीआईओज के द्वारा, या जो हम आप में से जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हमारी दिक्कत ये रहती है कि हमें प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण हमें ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं बेसिकली आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं हूँ, कोई आरटीआई की पढ़ाई लेके आगे नहीं आया। प्रशांत जी जुड़े हैं, प्रशांत जी नमस्कार। लेकिन यहाँ बात करें एक तो पूरे हिंदुस्तान लेवल की, तो पूरे हिंदुस्तान लेवल में ये है कि आरटीआई को ही मतलब ठीक तरीके से समझा नहीं जाता है लोगों द्वारा, लोगों में भी इसकी सही समझ नहीं है। खुद आरटीआई एक्टिविस्ट जो बने पड़े हैं, हम जो चलते फिरते, हमें भी रहती है कि कौन सी सीआरपीसी, कौन सी आईपीसी, कौन सी हाई कोर्ट, और कोर्ट में कैसे, वो तो हमें वक्त के साथ साथ हमें सीखने को मिला, धीरे धीरे हम सब ने रगड़े खाते खाते हमने सीख लिया। लेकिन मैं एक्चुअली ये रखना चाह रहा था बात कि हमने, हमारी एक संस्था है हिमाचल में राज्य स्तर की संस्था है रजिस्टर्ड, जो आरटीआई के ही वेलफेयर के लिए है, आरटीआई एक्टिविस्ट के ही मुद्दों की आवाज उठाते हैं। मेरे साथ अभी चंबा के मित्र हैं ये प्रशांत महाजन जी जुड़े हैं, तो हम सब लोगों का एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है आरटीआई एक्टिविस्टों का वो लगभग सेम है, और
लगभग पूरे हिंदुस्तान में सेम है, और चंबा में इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि चंबा जो है जिसको आकांक्षी जिला कहा जाता है, पिछड़ा जिला कहा जाता है, आम लोग गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो जो तेज तरार लोग हैं उन्होंने एकदम लूट मचा रखी है, एकदम मतलब पूरा 100% ही लूट करना चाहते हैं। जहां लोग जागरूक हैं, सवाल करते हैं, वहां फिर भी थोड़ा सा रोक लगती है, फिर भी थोड़ा सा प्रशासन या कुछ लोग जो है वो कोर्ट के डर से या कहीं ना कहीं से वो रुकते हैं। लेकिन यहाँ चंबा में तो हालत ही खस्ता है। हम जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, हमें पुलिस कभी भी जबरन उठा लेती है, कभी भी हमारे मोबाइल छीन लिए जाते हैं और झूठे मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, और उसकी सुनवाई हमने तो हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेशों तक का पालन नहीं होता हुआ दिख रहा हमें। हाई कोर्ट के आदेशों के पालन भी चंबा के डीसीबी और एसपी वगैरह नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा तो बिल्कुल ये स्थिति हो गई है कि पानी सर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं। हमने पहले भी एक बार, मेरी एक संस्था है परिवर्तन नाम से, हमने पहले भी एक बार प्रोटेस्ट किया था, 15-16 दिन हमारा प्रोटेस्ट चला था, और जिन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था, समय के साथ 2-3 साल लगे कोर्ट के थ्रू वो बाहर हुए, लेकिन प्रशासन ने फिर भी उन पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये बड़ी दिक्कत है, और हम प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं, हम शायद कल में ही, कल के कल में हम इसका जो ज्ञापन है वो दे देंगे चंबा प्रशासन को, और 1-2 दिन में ही हम शुरू कर देंगे, यानी 1 फरवरी से या 1 हफ्ते में। हमारा कोशिश है पूरी पूरी कि हम ये प्रोटेस्ट और ये जो एजिटेशन जो है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं सब, इनके दिल का जो दर्द है इसको रखने का एक मंच बनाते हुए आगे हम बढ़ें। और फिर यहाँ चंबा से काफी दूर पड़ता है शिमला, 400-500 किलोमीटर, वहां तक की बाइक रैली करेंगे, बीच के जितने स्टेशन पड़ेंगे, शहर पड़ेंगे, वहां लोगों को जागरूक करते हुए चलेंगे, अपने साथ जोड़ते हुए चलेंगे। शिमला के बाद हम दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठे होना चाहते हैं, और आप तमाम भाइयों का, तमाम साथियों का हमें साथ चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के जहां जहां से भी जुड़ सकते हो। तो आरटीआई को सुदृढ़ करने की, आरटीआई एक्टिविस्टों की सुरक्षा का बड़ा भारी एक मामला है। आरटीआई एक्टिविस्ट बनना आसान नहीं है, एकदम जो बिल्कुल निडर आदमी है वही टिक पाता है, नहीं तो उसको दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। कई तरीके हैं इसके, कई तरीकों से दबाया जाता है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे, हाँ उत्तम चंद जी, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है, वीरेंद्र जी भी यहाँ पर हैं, देवेंद्र जी भी हैं, तो ये सबको पता है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं हर जगह लोगों को झेलनी पड़ती हैं, और आपने सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात नहीं बताई है, हर जगह यही हालात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चंबा में जिस तरह से आप बता रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा है, इस तरह से हो रहा है तो बहुत ज्यादा सर। यहाँ गुंडागर्दी भी अलग तरीके की है, यहाँ पे तो बंदा निपटा ही दिया जाता है ऐसा। मैं खुद की बात करूं, मेरे ऊपर बहुत कम से कम 15 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, बहुत मुश्किल से हमने जान से ही सिर्फ बचाई है, बाकी तो हम ना अपने पैसे बचा पाए, ना मोबाइल बचा पाए, सब कुछ लूट लिया गया है, जान से बड़ी मुश्किल से हमने बचाई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा अब ये मेरे कैमरा की मदद से, अगर आप देख सके तो ये जंगल है, ये देखो मेरे घर के पास में, ये सामने, ये आपने नाम सुना हो सीकरी धार, जो सीमेंट प्रोजेक्ट, जो सीमेंट का जो एक पाइपलाइन में प्रोजेक्ट जो जो रिलायंस कंपनी लेना चाहती है 200 साल के लिए, इस पहाड़ को लीज पर लेके इसको उखाड़ना चाहते हैं, ये सीमेंट प्लांट जो सिकरी धार, सुना हो आपने किसी ने, तो ये सिकरी धार है, सिकरी धार के जस्ट सामने ये जो जंगल है, ये जंगल अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया है, खोखला कर दिया है। मतलब हमने सबसे पहले तो जो यहाँ पे कीमती जड़ी बूटियां हैं उनके बारे में आवाज उठाना शुरू की, जो मतलब आपको दिखाऊंगा मैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं यहाँ पे, नेशनल मार्केट में जो पेड़ है वो जा रहा था, जब हमने आवाज उठाई, जब हम यहाँ तक कि अखबार वाले बिक गए, फिर हमने जहां तहां से इधर उधर से छोटे मोटे चैनलों से हमने पब्लिश करवाया जब खबर को, तो धीरे धीरे कार्रवाई होना शुरू हुई, फिर जो कार्रवाई हुई तो उसमें जो माफिया लोग थे उनका बड़ा मतलब सामदाम दंड भेद हमें झेलने को देखने को मिला। ये देखो अब पूरा जंगल ही जला दिया है, मतलब ना पूरा जंगल ही पूरा जला दिया है पूरा, ये बिल्कुल घना जंगल हुआ करता था, यहाँ जंगली जीव रहा करते थे। आपका नेटवर्क खाली कर दिया है, आपका नेटवर्क भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन ठीक है आपकी बात समझ में आ गई है, हम समझ गए हैं। हाँ, तो आप इसमें मतलब हमने जंगल को बचाने की बात करी तो जंगल के साथ साथ हमें कुचलने और खत्म करने की बात की जा रही है। आप देख सकते हैं पूरा जंगल बिल्कुल ही खत्म कर दिया, आग लगा दी इसमें, और जो करोड़ों की जो जड़ी बूटियां थी पूरे हिंदुस्तान, हालांकि हमने
पूरे हिंदुस्तान की यही स्थिति है, बस कारपोरेट वर्ल्ड का एक तरह से राज्य टाइप का है और कारपोरेट वर्ल्ड का दबदबा है। एक्चुअली ये जो सामने पहाड़ आप देख रहे हो तो ये है सिकरीधार, ये सिकरीधार जो है 200 साल के लिए रिलायंस कंपनी लेना चाहती है इसको, और ये सीमेंट प्लांट लगेगा यहाँ पे और सीमेंट के लिए इस पहाड़ को उखाड़ना चाहते हैं। तो इससे पहले ये जो इस पहाड़ की इस सिकरीधार के आसपास का जो भी ये जंगल है इसको खत्म किया जा रहा है जैसे तैसे, मतलब माफियाओं को दे दिया जाता है कि तुम काटो जैसे मर्जी, और कोई हमारे जैसा कोई आवाज उठाए तो उनको उनको हर तरह से प्रताड़ना दी जाती है हर तरह से, और मतलब बहुत भयंकर परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। हम अपने परिवार को और अपने को बचाने में भी आज की डेट में हमें दिन रात जागना पड़ रहा है, सही बताएं तो बड़ी नाज ठीक है, आप अपना जो ये परिस्थितियां हैं, अभियान आप लेकिन अब चला रखिए, अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखिए आप, और बहुत काबिले तारीफ है आपका काम। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहता हूँ, वो ये कि जो भी आरटीआई की जैसे हम ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह करते हैं अच्छी बात है, नॉलेज मिलती है, समझ आती है, लेकिन समझ उसे आती है जो जो इसमें जुड़ा हुआ है, जूझ रहा है जिसको, जैसे आप हाई कोर्ट की बात करें तो जो हाई कोर्ट तक गया है उसको उसकी बात समझ आती है, जो कोर्ट तक गया है उसको कोर्ट तक की बात समझ आती है, जिसने पुलिस तक खाए रगड़े वो पुलिस तक की बात को समझता है, लेकिन आम आदमी को तो सिर्फ ये मतलब ऊपरी ऊपरी बातें हो जाती है, और इसलिए लोग बाग इसमें जुड़ नहीं पाते हैं, ज्यादा लोग टिकते नहीं है मीटिंग में भी। मैंने भी कोशिश की, बहुतों को लिंक भेजा जोड़ने के लिए, तो इसलिए मेरी तरफ से पर्सनली मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एक आप सबके लिए एक वेलकम है आपका, कि आप रेजिडेंशियल ट्रेनिंग करवाना चाहें तो आप कभी भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए मैं हिमाचल से अपने यहाँ चंबा में मैं कोशिश करूंगा कि मतलब रहने खाने की व्यवस्था वगैरह की जाए, और या तो जहाँ भी बेस्ट सेंटर लगता हो दिल्ली हो या कहीं भी, तो रेजिडेंशियल अगर 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग्स हो तो कई सारी चीजें जो है फिर दिमाग में पक्की हो जाती हैं, और तब आदमी का जो निश्चय वो दृढ़ निश्चय बन पाता है। बीरेंद्र कुमार जी हैं, बीरेंद्र कुमार जी आपके नजदीक ही उत्तराखंड से हैं, तो ये चंबा बीरेंद्र उत्तराखंड बहुत दूर पड़ता है, चंबा बहुत दूर है सर, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं सिकरीधार के अगली तरफ जो पहाड़ है ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर है, हम बिल्कुल जम्मू के साथ सटे हुए हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर हमारा नियरेस्ट पठानकोट पड़ता है रेलवे स्टेशन भी, और शिमला भी हमें बहुत दूर पड़ता है, 400-500 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, कभी आने का मौका मिला तो जरूर कोशिश करेंगे कि एक दो दिन का ट्रेनिंग। जी सर आइए, आप सभी प्रबुद्ध लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ अपनी तरफ से, आइए आपका स्वागत है। आप कार्यक्रम सुनिए उत्तम जी, आप कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करिए, और बीरेंद्र जी का नंबर आप ले लीजिए, बीरेंद्र जी बॉक्स में अपना नंबर डाल देंगे, आप उनसे संपर्क करिए, नंबर पोस्ट कर देता हूँ, तो कभी आना हुआ तो जरूर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, और वो करते रहते हैं इस तरह से आप लोगों को। प्रोग्राम तो जो एजिटेशन या प्रोटेस्ट का हमने करना है ये तो हम शुरू कर देंगे ना, 2-3 दिन में शुरू कर देंगे, और चंबा जो जिला मुख्यालय है डीसी ऑफिस है जहाँ डीएमडीसी बैठा है, आप भी इनका नंबर ले लीजिए उत्तम जी का, और आप लोग कोऑर्डिनेट करके कार्यक्रम इस तरह से जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ पर, तो समर का टाइम भी आने वाला है तो अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा ये देख लीजिए लोगों को। नहीं आप कभी भी आए समर में विंटर में कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी मित्र लोग मतलब आरटीआई से जुड़े आएंगे उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी, ये मैं मतलब लाइव नहीं, बोल आप रहा हूँ। कम से कम आरटीआई के लिए कोई धंधा नहीं है कि मतलब पैसे कहीं से आते हैं, तो आप लोग कम से कम रिसोर्स नहीं एक्चुअली, लेकिन सर जुड़ना तो जरूरी है ना, मिनिमम जुड़ना तो जरूरी है ना, कार्यक्रम रखिए जहाँ पर सिर्फ लोग उपस्थित रहे, उनको सीखने का मौका मिले, सिर्फ जी। कम से कम खर्च में रहने का और खाने का, ऐसी जगह है थोड़ा बहुत शहरी क्षेत्र से दूर हट करके कहीं इस तरह से, आप इसी तरह से एरिया जैसे आप बता रहे हैं जी, कहीं ऐसे थोड़ा रखिए, अच्छा और लोग मैंने अपने नंबर पोस्ट कर दिया, दोनों नंबर चैट बॉक्स में लिख दिया मैंने। आपके यहाँ की हाँ प्राकृतिक ये छटा का लास्ट में भी 906 वाला नंबर आया कोई, शुक्रिया जी, मेरा नंबर आपका चैट सभी बॉक्स का में है मेरी वो बात आप सुनने नोट कर के लिए। लीजिएगा। यस चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तो अब कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देंगे, अगले संडे को फिर हम आप लोगों से मिलेंगे, और उत्तम जी और अपने साथियों को इसी तरह से आप लोग जुड़े रखिए, और अपनी बातें जो भी है सीखते, हाँ फोरम के माध्यम से भी आप लोग सीख सकते हैं ऑनलाइन, जब तक आपका ऑफलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं होता है उसकी भी प्रयास करिए, और अगले संडे को हम आप लोगों से फिर मिलेंगे जी किसी जी टॉपिक पर, और तब तक के लिए धन्यवाद सभी का, सर, वीरेंद्र छोटी सी जी। विषय, हाँ क्या धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत, क्या कुलदीप एक मिनट जी, लगेगा सर, हाँ ये तो वृद्ध लोगों की योजनाएं चलती हैं, शिवानंद सर आप ही से क्वेश्चन है मेरा, इन लोग के लिए इनकी जानकारी के लिए आरटीआई कहाँ लगेगी, जो वृद्ध जनों की जो पेंशन योजनाएं चलती हैं।
कलेक्ट्रेट में होता है, तो भी हाँ, जो योजना चलती है सेंट्रल की और स्टेट की, इसको आईएएस ऑफिसर ही इंप्लीमेंट करते हैं, तो कलेक्ट्रेट में आप आरटीआई लगा सकते हैं, वहां से जानकारी मिल सकती है। सोशल जस्टिस ये नाम के आधार पे मांग सकते हैं कि कैसे मांगे अपन की वार्ड अनुसार मांगे, पंचायत के हिसाब से मांग लीजिए। बहुत सारी जानकारी वीरेंद्र जी, बहुत सारी जानकारी आज आजकल आपके, जैसे एमपी की बात करें तो एमपी के पोर्टल में भी बहुत सारी जानकारी ये रहती है, समग्र और बीपीएल पेंशन से संबंधित जो पोर्टल बने हुए हैं, तो वहां से भी अपने जानकारी ले सकते हैं कि किन किन लोगों को, वृद्ध जनों को या निःशक्त जनों को या विधवाओं को सूची है क्या वहां पे? मैंने वहां पोर्टल पे तो नहीं देखा। हाँ, एमपी एमपी में आप पंचायत में जाकर के पंचायत से ले सकते हैं आप, इनफैक्ट पंचायत दर्पण का जो पोर्टल है वहां से ले सकते हैं आप। देखिए एक लिंक आपको मिलेगा, इनका ऐप भी आता है पंच परमेश्वर, वहां से भी ये चीजें रहती हैं और किन किन को पेंशन दी जा रही है, कौन कौन से है ये जानकारी रहती है। और ये पंचायत स्तर से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, पंचायत स्तर में भी आरटीआई लगाकर, यदि ब्लॉक, यदि आपको ब्लॉक स्तर में तो ब्लॉक से आप प्राप्त कर सकते हैं। हर एक ब्लॉक में एक कोऑर्डिनेटर बैठता है, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग जो होता है, तो कलेक्ट्रेट, जिस तरह से वीरेंद्र जी ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय में इनका एक नोडल अधिकारी होता है, जो जिसको संभागीय अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर बोलते हैं, संयुक्त संचालक, उसके अंतर्गत पूरा संभाग का जिम्मा होता है, वहां से ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ब्लॉक वाइज, जिले वाइज, इस तरह से जानकारी उनके पास रहती है, तो वहां भी आप आरटीआई लगा सकते हैं, मिल जाएगी जानकारी आप वहां से, और आप पोर्टल से भी काफी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप प्रयास करिए। मैं सर्च कर लेता हूं सर, मैं सर्च कर लेता हूं। तो ठीक है, लास्टली मैं बस यही कंक्लूड करूंगा सर, थोड़ा सा हाई कोर्ट में जो अपन रिट लगाते हैं, अगर मैं ये चाह कहना चाह रहा था, जितने भी अपन लोग हैं ग्रुप में, मेरी वीरेंद्र सर और शवन सर आप ही से मैं मिलकर कहना चाह रहा हूँ कि मतलब मैंने एक चीज स्टडी किया सर, मुश्किल से 5-6 टाइप के चीजें ही हैं, प्रॉब्लम ही है जिसको लेकर हाई कोर्ट में लोग जाना चाहते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि अगर 5-6 फॉर्मेट अगर अपने तैयार हो जाते हैं और अगर हम उस इन चीजों को सरल कर देते तो लोग हाई कोर्ट इजीली जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हाई कोर्ट जाना, है ना। बस तो ये चूंकि आप भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, कुलदीप जी आप भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, वीरेंद्र जी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो नहीं है लेकिन लीगल नॉलेज और लीगल डिग्री उनके पास भी है, तो आप लोग एक फॉर्मेट ऐसे तैयार करिए और उसको आने वाले समय में, हम नहीं कहते कि अगले ही हफ्ते, मतलब 2-4-6 एक दो महीने जमा करके आप फॉर्मेट शेयर करिए और लोगों, और एक बल्कि एक कार्यक्रम अपन रख लेंगे कि हाई कोर्ट में आरटीआई से जुड़े हुए प्रकरण लेकर के जाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें, इस तरह से करके कार्यक्रम रख लें। हाँ, और उसमें आप हैं, वीरेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी हैं और जो भी लोग हैं, अपने अनुभव और इस तरह से फॉर्मेट आप लोग साझा करिए और लोगों को बताइए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सर मेरी लास्ट, जितने लोग सुन पा रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोगों ने हाईकोर्ट में लगाया है अपना पर्सनल डेटा डिलीट करके, अगर हाईकोर्ट का जो भी उनकी रिट थी उसको शेयर कर दें, पीडीएफ उसकी शेयर कर दें, तो मैं उस पर कंपाइल अप करके 5-6 फॉर्मेट ना बढ़िया मतलब फॉर्मेट ही तैयार कर दूं कि आपकी ये समस्या, बस आप नाम पता और उनकी समस्या लिखिए और सीधे रिट लगा दीजिए, हो गया। मतलब मैं ये चीज चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये करेंगे, सुन रहे हैं लोग, करें बिल्कुल, निश्चित तौर पर आगे आने वाले कार्यक्रम में आप लोग शेयर करिए, ग्रुप में भी शेयर करिए, ग्रुप अपना जो आरडीआई ग्रुप है उसमें भी आप लोग। हाँ, जो लोग जा चुके हैं उन लोग का अगर हमें पुरानी फॉर्मेट मिल जाए ना तो ये आने वाले समय में भविष्य में नए लोगों के काम आ जाएगा। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वीरेंद्र जी का, देवेंद्र जी का, कुलदीप जी का, उत्तम जी का, नरेश जी का और हमारे सभी साथी यहाँ पे आशीष नारायण जी आदि सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे को अपन फिर किसी टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे और ये सिलसिला हमारा हर संडे को चलता रहेगा, इसी तरह से एक आदान प्रदान हो जाता है, हमारे विभिन्न प्रदेशों से, हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग इस तरह से जुड़े जाते हैं, जैसे आज हमारे बीच में आपने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के हमारे नए साथी जुड़े हैं और इसी तरह से एक दूसरे की समस्याओं का अपना आदान प्रदान करके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास इसी तरह से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।